بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है जी? वालेकुम अस्सलाम जी सर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हमारे तीन लेसन हैं, लेसन नंबर 30, 31 और 32। और ये तीन टॉपिक्स हैं अहम जो हमने इन तीन लेसन में कवर करने हैं, तमीज, हाल और मुस्तस्ना। ठीक है जी। तो लोग आ रहे हैं, हम शुरू कर लेते हैं, क्या ख्याल है? मगरिब वजह से ऑलरेडी ही हम 15 मिनट लेट हैं, तो शुरू करते हैं तमीज से। पेज नंबर 255, सफा नंबर 255 अरबी वाली साइड से, इस पे नंबर 2 है, इश्तराई तो मित्रैनी वरकन, हुना वरकन तमयीज़ुन। इस जुमले में मैंने 2 मीटर वरकन कपड़ा या वो पेपर खरीदा, तो यहाँ पर वरकन तमयीज़ है। अब तमीज के बारे में बता रहे हैं, तमीज इस्मुन नकिरतुन मुतज़म्मिनुन माना मिन लिबयानि मा क़ब्लहु मिन इजमालिन। तमीज एक इस्म होता है, नकिरा इस्म होगा और मिन का माना उसके अंदर छुपा हुआ होता है। और ये क्यों आता है? जो पहले इजमाल के साथ इख्तिसार के साथ बयान किया गया है उसको वजाहत करता है, उसकी वजाहत करता है। इंदी मित्रुन हरीरन हसुन हामिदुन खुलुकन, कि मेरे पास 1 मीटर रेशम है और हामिद अच्छा है, खुल्क यानी अखलाक के एतबार से। फतकदीरुल जुमलतैन, दोनों जुमलों की तकदीर यूं बनेगी, इंदी मित्रुन मिन हरीरन हसुन हामिदुन मिन जिहति खुल्किही खुलुकी ही। और तमीज़ 2 तरह की है, अतमीज़ उज़्ज़ात वहुवल वाक़िउ बादल मकादीर। एक को कहते हैं तमीज़ ज़ात, और तमीज़ ज़ात क्या होती है? तमीज़ ज़ात कहते हैं वो वाली तमीज़ जो मकादीर मकदारों के बाद जिक्र की जाए, और मकदार 4 किस्म के हैं, अदद और ममसूहात, मकीलात और मौजूनात। अदद से मुराद गिनती है या गिनती से रिलेटेड सवाल। या अबती इन्नी रअईतु अहदा अशारा कौकबन, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, मैंने देखे 11 सितारे। तो यहाँ पर अहदा अशारा अदद के बाद कौकबन उसकी तमयीज आई। तम किताबन क़राता, कितनी किताबें आपने पढ़ी? तो यहाँ पर कम इस्तिफ़हामिया अदद के बारे में सवाल किया जा रहा है, तो किताबन यहाँ पर तमीज़ ज़ात के तौर पर आ रहा है। ममसूहात यानी लंबाई चौड़ाई नापने के पैमाने। नहु इंदी ज़िराउन अर्दन, मेरे पास 1 ज़िरा ज़मीन है। और मकीलात जो इसको भी कहते हैं वो नापने के पैमाने। आतैतुहु सौअन तमरन, यानी लीटर्स वगैरह जिस तरह नापा जाता है उसके लिए मकील कैल करना कहते हैं। और वजन करने वाले मौजूनात, आइंदा का रितलन समनन। अब सा और रितल में फर्क यह है कि रितल वजन के एतबार से उसको जो है वो मैयर किया जाता है, जबकि सा जो है उसका वजन
अहम नहीं है बल्कि उसका पैमाना अहम है। एक खास किस्म का मखसूस मकदार का एक बर्तन होगा जिसको साह कहा जाएगा। इसको आजकल के मिसाल में हम लीटर्स के जरिए समझ सकते हैं। लीटर्स, लीटर जो होता है, लीटर में वजन नहीं देखा जाता बल्कि उसकी पैमाइश की जाती है कि एक लीटर का जो पैमाना है उसमें कितना है। सिस्टर अनीस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल, ये वॉल्यूम होता है ना, किसी भी चीज का एक सेट वॉल्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस वॉल्यूम में उसको मेजर करते हैं बजाय इसके कि उसका वेट मेजर करें, और वजन जो है वेट है किलोग्राम्स में। ويلحق به الدال على ما يشبه المقدار, और मकदार के साथ जो मुलहक बिलमकदार होता है वो भी शामिल है। माफ समा कदर राहत सहाबन, हथेली के बराबर। तो ये भी एक तरह से एक्चुअली तो कदर राहत, एक्चुअली तो ये कोई मकादीर में से नहीं है लेकिन उसके मुशाबह चीज है। عندي جرة ماء, मेरे पास एक मटका है पानी का, पानी के एतबार से या पानी का। तो मशकीजा जो है ये कोई मतलब ऐसे उस तरह से कोई एक मुतायन मकदार नहीं है जिसको जर्रतुन कहा जाए, वो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। इसी तरह उरीदु कीसन दकीकन, मुझे एक थैली आटा चाहिए या मैं एक थैली आटा चाहता हूँ, तो उसमें भी थैली बड़ी छोटी हो सकती है। कोई मखसूस मकादीर में जो बात की है वो मुतायन मकदारें हैं, और मायुष्बेहुल मकदार में अगरचे उसमें मकदार तो है लेकिन वो मुतायन नहीं है। ठीक है जी, कद्र राहतिन कोई मुतायन मकदार नहीं है। इसी तरह जर्रतुन हो गया मशकीज़ा या थैली, तो मशकीज़े और थैली का कोई मकदार मुतायन नहीं है कि एक मखसूस मसलन लीटर्स के हिसाब से अगर मशकीज़े की बात करें, घड़े की बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ास घड़ा ही मुराद है जिसके अंदर लेट्स सपोज 5 लीटर पानी आता, ऐसा नहीं है, वो बड़ा छोटा हो सकता है। लेकिन बहरहाल वो बजाते खुद एक बर्तन है जिसके जरिए से उसको समझा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, तमीज़े ज़ात होंगे। जी ये भी तमीज़े ज़ात में से ही आएगा, तहाबन और दकीकन। जी डॉक्टर अफशंदा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी डॉक्टर, मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्टली नाप या वजन नहीं होता, ये उसकी सब्स्टिट्यूट होता है, उसका कायम मकाम है। जी कायम मकाम, बिल्कुल। इसी तरह मिसकाल ज़र्रतिन, राई के दाने के बराबर। अब राई के दाने, कोई ऐसा नहीं है कि राई के दानों का एक साइज मुतय्यन है, छोटे बड़े हो सकते हैं। सिर्फ एक मिसाल के तौर पर उसको छोटा हकीर तरीन और बहुत ही कम मकदार को बताने के लिए जो है वो मिसकाल ज़र्रतिन बोला जाता है। और हुक्म क्या है तमीज़ का, तमीज़ ज़ात का? यजूज़ नस्बहु, यानी नसब के साथ जिक्र करना भी जायज है जब इसको बगैर मिन के लिखा जाए। इंदी मित्रन हरीरन, जो आम तमीज हम नसब की हालत पे नजर आती है। वह यजूज जर्रहु बिमिन, और मिन के साथ लाकर इसको मजरूर भी लिखा जा सकता है। इंदी मित्रन मिन हरीरन, और कमा यजूज जर्रहु बिल इजाफा, मुदाफ इलैह की फॉर्म में लाकर इसको भी मजरूर लिखा जा सकता है। जैसे इसी जुमले को इंदी मित्रुन मिन हरीरन, और तीसरी मिसाल इंदी मित्रु हरीरन। तीनों सूरतें इसकी जायज हैं। दो सूरतों में जर के साथ आएगा, एक में हर्फ जर के साथ मजरूर हो रहा है और दूसरे में मुदाफ इलैह बनते हुए। वक़द युदाफु अद्दालु अलल मिक़दारी इला गैर अत्तमयीज़, और बाज़ औक़ात जो अद्दाल अलल मिक़दार है, यानी जो के मुलहक मायुशबेहुल मिक़दार था, वो तमीज़ के अलावा किसी और चीज़ की तरफ भी मुदाफ़ हो सकता है। मिसाल दिया माफ़ समा क़द्रु राहतिन। अब क़द्रु राहतिन, क़द्रु राहतिन सहाबन एक्चुअली तमीज़ है, तो चूंकि वो बजाते खुद जो है वो मकादीर में से नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर फिर जाहिर है थोड़ी सी कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा जनरल रूल से हटकर।
इसी तरह फलन युक्बला मिन अहदिहिम मिलुल अर्दी ज़हबन। अब यहाँ पर तमयीज असल में सहाबन और ज़हबन है, सहाबन और ज़हबन है। तो हमने जो इजाफत वाली सूरत पढ़ी है तो वो इजाफत में आमतौर पर तो हमने यही देख हम यही देखेंगे कि जो तमयीज़ बन रहा है उसी को मुदाफिले की सूरत में लाया जाए। लेकिन जब जिससे तमीज़ लाना है यानी मायुशबिहुद्दाल अलल मिक़दार बनता है तो उससे उसको जब वो चूंकि खुद असली मिक़दारों में से नहीं है बल्कि उसकी तरह की चीज़ है, सब्स्टिट्यूट है उसका, तो इसलिए फिर उसके अंदर वो वाला जो एक्चुअल रूल है वो होना भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात उससे हट कर कुछ और भी हो सकता है, यानी जो क़द्र है या मिल है ये चीज़ें बजात खुद किसी एक और चीज़ की तरफ मुदाफ हो रही होंगी और फिर उसके बाद तमीज़ आ सकता है। तो मिसालें दी हैं, इसी तरह मिल उकफिन मिन दमिन, तो मिल उकफिन में भी ऐसे ही है कि मिन हर्फ जर के साथ आया मिल उकफिन में, दम असल में तमीज़ बनता है लेकिन उसको मुदाफिले की सूरत में नहीं ला रहे। तो ये था तमीज़ ज़ात। दूसरा तमीज़ की सूरत है तमीज़ नस्बत। तमीज़ नस्बत क्या होती है, वो आदाद मकादीर वगैरह से नहीं होती बल्कि ओवरऑल जुमले में कोई इबहाम पाया जाए, नस्बत में इबहाम पाया जाए तो उस चीज़ से पूरे जुमले से इबहाम को दूर करता है। हसुना हादत तालिबु, ये तालिब इलम अच्छा है, किस एतबार से अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, खेलकूद में अच्छा है या बातचीत में अच्छा है, किस में अच्छा है, तो खुलुकन अखलाक में अच्छा है। فَإِنَّ نِسْبَةَ الْحُسْنِ إِلَى الطَّالِبِ مُبْهَمَةٌ, کہ حسن کی نسبت کرنا طالب علم کی طرف یہ مبہم تھا, تَحْتَمِلُ أُمُورًا كَثِيرًا, بہت سے امور کا احتمال ہو سکتا تھا, فَجَاءَ التَّمْيِيزُ خُلُقًا لِإِزَالَةِ هَذَا الْإِبْهَامِ, تو اب یہاں پر خلقن کو بطور تمیز لائے ہیں اور اس ابہام کو اس نے ختم کر دیا, اور تمیز نسبت میں سے یہ ہے کہ مَا كَانَ أَصْلُهُ فَاعِلًا, माकाना असलहु फ़ाइलन, मफहूम समझने के लिए उसको अगर फ़ाइल बनाया जाए तो भी उसको बनाना दुरुस्त है। हसुना तालिबु खुलुकन को तकदीर के तौर पर लेंगे, हसुना खुलुकु तालिबी, तालिब इलम के अखलाक अच्छे हुए, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो असल में मफ़ूल होते हैं, नहु फज्जरना अल-अर्द उयूनन, तो यहाँ पर फज्जरना उयून अल-अर्द बन रहा है, हमने क्या कहते हैं उसको हमने फाड़े जमीन के चश्मे। हुक्म हु अन्नहु मंसूबुन वला यजूज़ जर्रुहु, और ये जो जुमले से इबहाम को दूर करने वाली तमीज़ है ये हमेशा मंसूब होगी, ये इसका जर जायज नहीं है। फीही तफसीरुन सतदरसु फी मा बाद इंशाअल्लाह, इसमें कुछ तफसीर है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो नंबर थ्री पे आया है कि दर्स में से तमीज़ की मिसालें निकालनी है और उनमें से हर एक की वजाहत करनी है कि कौन सी कसम बन रही है, वो आप लेसन में से निकाल लीजिएगा। हम आते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ, आइए ने तमीज़ फीमा यली वज़कुर नवाहु। अब ये पांच छह जुमले सात जुमले हैं, आठ बल्कि, इन आठ जुमलों में से हमने तमीज़ देखनी है और तमीज़ का हमने नौ मुख बतानी है कि ये तमीज़ ज़ात है या तमीज़ नस्बत है। तो अना अकबरु मिनका सिनन, तो ये तमीज़ की कौन सी किस्म बनेगी, तमीज़ ज़ात या तमीज़ नस्बत, पहला मिलकर कर लेते हैं उसके बाद वन बाय वन करते हैं। तमीज़ नस्बत बनेगी क्योंकि इसमें कोई मिक़दार मकादीर में से कुछ भी शामिल नहीं है। जनरली बताया गया मैं तुमसे बड़ा हूँ, कैसे बड़ा हूँ, किस एतबार से बड़ा हूँ, सिनन उम्र के एतबार से। तो अब आइए तरतीब से, सिस्टर अनीस मौजूद हैं जी, सिस्टर अनीस जी सर नंबर टू और थ्री कर लें। ठीक है ओके सर, इश्तरी किलो गिरामन सुकरन वलितरैनी लबनन, ये वो है सर ऑर्डर कर रहे हैं जी, ऑर्डर है इश्तरी खरीदो जी, अच्छा इश्तरी अश्तरी सर मैं खरीद
अख्तरी भी हो सकता है, अमर है, अमर है, सही है। हाँ ये जात है किलो ग्रामन, क्योंकि ये वजन मतलब वो बता रहे हैं ना इसका वेट, वेट बता रहे हैं जी। हाँ तो करण जो है वो तमीज है, तमीज जात होगी, और लिटरेन 2 लीटर दूध या लस्सी व्हाटएवर, लिटरेनी लबनन 2 लीटर जो है वो लबनन खरीदना है, तो लबनन जो है वो तमीज जात होगी। पहली सूरत में ये आ रहा है मौजूनात से, और दूसरी दूसरा लिटरेनी मित्रन किस में से आ रहा है सर? ये उसी में आ रहा है ना, वो जो कैल वाला होता है, मकीलात में से जी। हाँ मकीलात में से, एग्जैक्टली। करातु इश्रीना सफहतुन, मैंने सफहतुन या सफहतन, सफहतन सॉरी, इश्रीना सफहतन, आई एम सॉरी। करातु मैंने पढ़ा 20 सफ़े, मैंने 20 सफ़ों की किरत की, तो ये इश्रीना ये भी जाती होगा, अदद है, और सफहतन जो इसकी तमीज है, तमीज जात। जज़ाकुमुल्लाह जी। सिस्टर अस्मा खालिद नंबर 4 और 5 जी सर। ताबल मुदर्रिसु नफसन, इसके मीनिंग्स होंगे सर क्या खुश हुए मुदर्रिस अपने बारे में, अपने आप से, खुद से खुश हुए या खुद से खुश हुए जी। तो सर इसमें नफसन जो है वो तमीज नस्बता होगी, निस्बा ठीक है। और खरसतिल बलदियती बलदियतु अश्शवारी आ शजरन, मैंने प्लांट किए या मैंने उगाए, मैंने उगाए नहीं उसने सॉरी उसने उगाए या उसने प्लांट किए बल्दिया में अपने या बस्ती में, बस्ती नहीं बल्दिया ही होगा, बल्दिया ने ठीक बल्दिया ता है सॉरी ठीक है, बल्दिया ने रोड पे दरख्त, तो इसमें शजरन जो है वो तमीज क्या होगा सर, जात होगा? नहीं जात क्यों होगा, जात में तो अदद कोई मकदार, अदद मकील मौजून ममसूह, ये तो उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा सर। ममसूह हाथ में नहीं होगा, जैसे अर्दन आया है जमीन, इतना शजरन नहीं, अर्द वाली मिसालें तो सारी वो आई हैं, मायूशा भी हो। अच्छा ममसूह हाथ में जैसे ऊपर लिखा हुआ था, तो फिर सर ये तमीज नस्बत होगी जी, तमीज निस्बा ठीक है जी। डॉक्टर साहब अगले 3 रह गए हैं, तो ये 3 आप कंप्लीट कर लेंगी। वमन अहसनु मिन अल्लाह हुक्मा जी सर, वमन अहसनु मिन अल्लाह हुक्मन, तो ये हो जाएगा कि और कौन बेहतरीन है अल्लाह की तरफ से फैसला अल्लाह से, अहसनु मिन अल्लाह अल्लाह से बढ़कर फैसला करने में, तो ये निस्बत हो जाएगा क्योंकि ये इसमें भी कोई वेट वगैरह कुछ नहीं आता जी। हेलो मेरी आवाज जी जी आ रही है आवाज डॉक्टर साहब, आ रही है अच्छा मन का पता नहीं। और दूसरा है कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कानु अशद्दा मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अमवालम व औलादन, जैसा कि वो लोग जो तुमसे पहले थे ज्यादा थे तुम में से क़ुव्वत में, और अक्सर अमवालन माल की कसरत में, और औलादन औलाद में, तो यहाँ पर भी क़ुव्वतन अमवालन और औलादन जो है ये नस्बत वाली तमीज़ है, क्योंकि इसमें भी वो मेजरमेंट नहीं है, बल्कि ये जुमले में से क्या कहते हैं इबहाम को दूर कर रही है। ठीक हो गया, आखिरी वा हसुना, और ये जो है आपका हसुना उलाएगा रफीका, इसमें रफीका जो है ये तमीज़ है, और ये भी नस्बत वाली तमीज़ है, और इसका मतलब ये कि कितने अच्छे हैं, क्या ही अच्छी रफाकत है, और कितने अच्छे रफीक हैं ये, कुछ इस तरह का इसका अंडरस्टैंडिंग बनती है मीनिंग की जी।
तो ये भी जुमले में से इबहाम दूर किया है, तो इसलिए ये भी निस्बत वाला जुमला हो गया, इबहाम सॉरी। ठीक है जी। सिस्टर अनीस जी, सर मैं ये पिछली वाली आयत जो है 7 नंबर पॉइंट, कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अमवालन व औलादन, तो इसमें हम अक्सर अमवालन को निस्बत लेंगे और व औलादन को, इसको औलादन को अतफ कहेंगे या औलादन को भी कहेंगे, तो हम ये भी तमीज है निस्बत नहीं, वो अतफ अतफ हो रहा है और मफहूम के एतबार से दोनों ही तमीज बन रहे हैं जी, लेकिन हम इसको कहेंगे नहीं ना, एतबार से अतफ कहेंगे जी। ठीक है जी। सिस्टर फरीहा नंबर 5, अकमिल कुल बितमयीज मुनासिब जी। नंबर 1, इश्तरैतु मित्रन हरीरन या कुमाशन, कुछ भी, यानी मैंने खरीदा एक मीटर कपड़ा या रेशम, तो ये तमीज जात है, ममसूहात में से आता है जी। सेकंड है इमला अलकूबा कहवतन या लबनन वगैरह, ये भी तमीज से ज़ात है जो कि मकीलात में से आएगा। और कर दूं सर हम नहीं, कूब वाला मकीलात में से आएगा या मा उसमें से आएगा, वो जो मा युशाबिहु, तो क्या मा युशबिहुल मिक़दार अद्दाल अला मा युशबिहु, कूब का कोई एक मुतय्यन इसमें। सर मैं देख रही थी कि जिस तरह इमला के लिए कूब तो मफूल भी है ना, के भर दें कप को, अच्छा अब किससे भरने, अब ये इबहाम पैदा हो गया, तो लबन से अगर हम भरे हैं तो लबन को तो हम कैल से नापेंगे ना, इसका तो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको या तो बनाएंगे हम उससे सिंपल वो बन जाएगा, तमीज निस्बत बन जाएगा इसे, क्योंकि सवाल ये है कि मुनासिब तमीज आप इसमें फिट करें ना, तो उस लिहाज से तो जुमला है फेलिया है, और कूप तो कि इस कूप को भर देना, यहाँ तक जुमला वैसे कंप्लीट हो जाता है, तो फिर ये है कि किस चीज से भरना है, इस चीज को अगर हमने क्लियर करना है, तो फिर हम अगर कोई लिक्विड चीज कह रहे हैं तो फिर हम इसको मकीलात में से ही लेंगे, मैंने तो यही समझा था, इसका लिखा भी हुआ था पहले भी। और अगर सर आप वो जिस तरह कह रहे हैं कि जैसे कीसन या जर्रतुन वगैरह के, मतलब उसके आप वो कर रहे हैं कूप को उसकी जगह पे कर रहे हैं, तो लेकिन इमला है ना सर, पता नहीं मुझे नहीं मिला वैसे इसका जवाब, तो ये मिला अब उसमें अलकूब को कह रहे हैं ना, प्याले को भर दो जी, प्याले को भरना है तो मिकदार कूब का कोई, या तो मिकदार मुतय्यन समझे तो क्या सर, इसमें भरने का कह दिया गया, इसको भर दें तो भर दें किस चीज से, अगर लिक्विड से भरना है तो ये कह देंगे, अगर इवन अगर कोई कमर वगैरह से भरना होता तो भी हम यही कहते हैं, कैल में ही लिया जाता है इसको, मेरा तो ख्याल था, क्योंकि सर वो रीतन वाला जरा देखें, ये देखिए ना, ये जो इन्होंने तमीज जात में जो दिया है, मिल अल अर्ज व मिल उल अर्ज, मिल उ भरना जो है ना, इसको उन्होंने अद्दाल अलामा युश्बिल मकदार की मिसालों में दिया है ना, पिछले पेज पे अगर हम देखें तो सर वो तो एक तरह से वैसे बाई चांस वो तो मिसाल बनती है, उसको दूसरी तरह भी तो लिया जा सकता है, क्योंकि वो तो ठीक है, वो हदीस का एक टुकड़ा दिया गया है, वो मुट्ठी भर यानी के मायने में है सर, इसको किसी बुक में से कंफर्म, वैसे मैंने तो कंफर्म किया हुआ, फिर इसको दोबारा से देख, चलें एक दफा रीकंफर्म भी कर लेंगे, ठीक है आगे भी कर लें, ये मुकम्मल कर लें आप। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी जी सिस्टर, कि इसका कॉन्सेप्ट सर, ये सिस्टर फरिया जो कह रही है वो सही कह रही है, कि उसमें जो है ना वो है कि मुट्ठी भर या कप भर या पैमाना भर, तो इसमें तो ये कह रहे हैं कि इसको भर दो, तो ये इस्म ज़ात के तौर पे माँ इस्तेमाल हुआ हुआ है, मुझे भी यही लग रहा है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है ना वो इटसेल्फ से इसके इमलाल कुबा भर दो कप को किस चीज से, तो वो तमीज ज़ात हो रही है किसी चीज से भर रहे हैं, अगर ये होता ना कि हमारे पास ये चीज अवेलेबल है 4 कप पानी या इस ना करके, तो वो उसमें चीज दी हुई होती तो फिर हम कहते हैं कि वो तमीज है, इसमें तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोई चीज कोई भी डाल दो चीज, तो जो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है ना वो ये बता रही है कि ये तमीज़ ज़ात बन रहा है जो हमसे मांगा गया है। चलें ठीक हो गया जी, तमीज़ ज़ात ले लेते हैं, ठीक
जी नंबर थ्री है हामिदुन अक्सर तुल्लाबी इल्मन कह दें या जो भी नशातन वगैरह, यानी हामिद तमाम स्टूडेंट्स में से बेहतर है इल्म के लिहाज से या इल्म की जहत में, तो ये तमीज़ निस्बा है। और उसके बाद मन अहसनुकुम आगे कुछ भी हम कह सकते हैं कलामन तिलावतन सौतन किताबतन एटसेट्रा, यानी कौन बेहतर है तुम सब में से, तो ये भी तमीज़ निस्बा है। और इसमें तो हमने सर इसमें ये होता है कि ये जो अफ़लु तफ़सील वाला है ना सेंटेंस, इसमें आगे जो होती है वो तमीज़ निस्बा ही आती है, ये भी एक रूल है आम ग्रामर में, इसी तरह से हम कुरान के तर्जुमे में इसी तरह से इसको ये जो अफ़लु तफ़सील का सीगा हम इस्तेमाल करके जुमला ले रहे होते हैं ना उसमें फिर आगे जो आते हैं ना वो तमीज़ निस्बा ही होता है हमेशा, मतलब यही बनता है ना, और तो उसमें कुछ और बन नहीं सकता क्योंकि इसमें जो हम प्रेफरेंस दे रहे होते हैं ना तो वो उस हवाले से ही आती है, किसी चीज को किसी के ऊपर यानी फजीलत हासिल होना, इसीलिए अफ़लु तफ़सील है ना अक्सर या अहसन वगैरह। ठीक हो गया जी। और नंबर फाइव है उरीदु गिरामन ज़हबन, मुझे एक ग्राम सोना चाहिए, मैंने सोचा सबसे कीमती चीज़ अब ग्राम में क्या कहें, आटा कहें या कुछ कहें, एटलीस्ट सोना तो मांगा जाए, तो ये तमीज़े ज़ात है और अदद वाला जो होता है अदद में आ जाता है, वजन में आ जाता है ना, तो ग्रामन वाला जी वजन वजन में आ जाए, हाँ जी ओजान में मौजूनात में आ जाए। ठीक है عندي صاون برن اجعل التمييز في هذه الجمله مجرورا بمن مره وبالاضافه مره اخرى کس کی باری ہے جی سسٹر غزالہ عندي صاون برن ایک مرتبہ اس کو من کے ساتھ تمیز کو لکھنا ہے اور ایک مرتبہ اس کو اضافت کے ساتھ لکھنا ہے یا بولنا ہے کیسے بتائیں گی पहली दफा तो यही है साउन बुर्रन ठीक है और दूसरी दफा जब हम कहेंगे कि इंदी साउन मिन बुर्रन ठीक हो गया। और है ना ये इसमें ये करना है कि इसको मुजाफ अलै बनाना है पहले, एक नहीं एक दफा करना है मजरूर बिमिन और एक मर्तबा मजरूर बिल इजाफा इजाफा साउ बुरन इजाफत में अगर इजाफत में करना है तो फिर इंदी साउन को में से ये तन्वीन हटाएंगे साउ बुरन साउ बुरन जी ठीक है। सुनून मसरा सना यसनाउ से और ये फौल के वजन पर आता है और इनके मस्तर भी शरीब यशरबु शुर्ब शकारा यशकुरु शुक्र वद्दा या वद्दु वुद और जहीदा यजहदु जुहदुन सकिरा यस्करु सुक्रुन ये मसादिर आ गए। और शफवी तमरीन को हम छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद लितताज्जुब ताज्जुब के लिए दो सीगे हैं मा अफ़अलहु व अफ़इल बिही मा अजमल सय्यारता और अजमल बिस्सय्यारा पहले ताज्जुब यानी किसी चीज पर हैरत का इजहार करते करने के लिए जो लफ्ज जिस अंदाज से बोला जाता है तो उसके लिए ये दो सीगे बोले जाते हैं मा अफ़अलहु व अफ़इल बिही और कुरान में इस्तेमाल हुआ है अबसिर बिही व अस्मिअ अबसिर बिही व अस्मिअ यानी क्या ही खूब है वो कैसे इसका तर्जुमा करेंगे अब सिर भी वास्मे क्या ही खूब देखने वाला है वो और क्या ही खूब सुनने वाला है वो क्या खूब सुनता है देखता है वो और क्या देखता है इसी तरह अस्मे बिहिम व अबसिर यौम यातूना क्या ही खूब सुनने वाले हैं वो और क्या ही खूब देखने वाले हैं यौम यातूना जिस रोज वो सब हमारे पास आएंगे فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ کیا ہی صبر ہے ان کا آگ پر یا کیا ہی صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر اب یہ آ رہے ہیں کثرت النجوم سہولت اللغۃ العربیہ بعد السماح حسن اللبن اور قرب الامتحان
इन पर ताज्जुब करना है। तो हबीबुर रहमान साहब, सितारों की कसरत पर ताज्जुब का इजहार करें, जरा कैसे करेंगे? मा अक्सरा नजूमन ठीक हो गया। और सहूला अल्लुगत अरबिया, अरबी जुबान की आसानी पर ताज्जुब का इजहार करें। शहजाद साहब, दूसरी तरह भी करना है ना, दोनों तरह ताज्जुब? जी चलें दूसरी तरह भी करें जरा। जी हाँ जी, दोनों फ़िअल ही ताज्जुब से करना है। तो एक तो हो गया मा अक्सर नुजूमा, और दूसरी सूरत में ये बनेगा अक्सर बिन नुजूमे, अक्सर बिन नुजूमे, अक्सर अक्सर बिन नुजूमे। ठीक है जी। दूसरा जुमला करें, सहूला और दूसरी सूरत में असहल बिल्लुगत अरबिया, ठीक हो गया। सिस्टर हिना, आसमान की दूरी और दूध की खूबसूरती पर ताज्जुब का इजहार। बुअदु समाई मा अब अदिस समाई, मा अब अदिस समाआ, मा अब अदिस समाआ। जी, और दूसरी सूरत में कैसे कहेंगे? सर ये होगा अब अद बिस समाई। नंबर फोर भी कर लें, मा अहसन लबन लबाना। जी, और दूसरा? और दूसरा होगा अहसन अफ़इल का पैटर्न रहेगा हमेशा, अहसन बिल लबन। जज़ाकुमुल्लाह। जी कर्नल अयाज बशीर साहब, आपका इम्तिहान करीब है, इस पर ताज्जुब का इजहार करें खुशी के साथ। बड़ा हस्बे हाल मिला। जी मा अक्रबल इम्तिहाना, मा अक्रिब बिल इम्तिहानी। ठीक हो गया। तो ये आगे जो है ना, मिल आ पांच जुमलों में शामिल करना है। मिल आ का फिन सुकरन, तो ये जुमले मेरे पास यहाँ बुक में मैंने कहीं से देख कर लिखे हैं या खुद बनाए थे, मुझे नहीं याद अब, पर लिखे हुए हैं। उरीदू मिल अकफ़ी सुकरन, आतीनी मिल अकफ़ी बुर्रन, अहजतु मिल अकफ़ी रमलन, कुल मिल अकफ़ी का फुस्तुकन, लैतली मिल अकफ़ी ज़हबन। तो डिफरेंट जुमले हो सकते हैं। क्या होते हैं? फुस्तुक, पिस्ता। आखिरी जुमला तो आपने बहुत ही, वो अब नामुमकिन वाली चीजें होती जा रही है। सर उसको लौला ली भी कह सकते हैं ना, शायद के हो मिल जाए। नहीं लास्ट वाले को लईता ली आपने कहा ना, मिला कफिन ज़हबन, तो इसको इसको सर लाला के साथ करें तो वो लाला तो दिया जाएगा, तरजीह आ जाएगी।
लाला दो मानों में होता है ना, तरजी में रखे ना, तरजी में अंदेशा नहीं सर, तरजी में रखे, मैंने कहा उम्मीद तो रखे ना, मिल जाएगा आप फिर कुछ ना कुछ। लईता ली से तो बिल्कुल ही आपने खत्म कर दिया। चले उम्मीद पे दुनिया कायम है, वैसे हालात लगते नहीं है कि उम्मीदें रखी जाए, डॉलर्स बिल्कुल निकल होते जा रहे हैं रियलिस्टिकली। अच्छा जी, नंबर 31, लेसन नंबर 31 में आया है पेज नंबर 261, हाल। अल हालु वस्फुन फदलतुन युज़करु लिबयान हैयति साहिबिही। हाल एक इजाफी फजीलत होती, इजाफी सिफा होती है जो कि साहिब हाल की हैयत को बयान करता है, कैफियत हालत को बताता है। और कुरान कोर्सेज में हमने ये बात पढ़ी है कि ये अंदरूनी भी हो सकता है और बैरूनी और जाहिरी भी हो सकता है, तो उस जो वहाँ का हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी यहाँ हम थोड़ा सा बीच में टच कर सकते हैं। तो जा हामिदुन राकिबन दर्राजतहु, हामिद आया अपनी साइकिल पर सवार, इस हाल में कि वो अपनी साइकिल पर सवार। इसी तरह दूसरा जुमला क्या, इश्तराई तो दजाजता मजबूहतन, मैंने मुर्गी खरीदी मजबूहतन ज़िबा की हुई, ये भी बड़ी महंगी हुई पड़ी है आजकल। हाजा उस्तादुना दाखिलन अल-फ़स्ला, ये हमारे उस्ताद हैं जो इस हाल में के दाखिल हो रहे हैं फसल में, क्लास में। तो ये मिसालें थी। साहिबुल हाल क्या होता है, साहिबुल हाल या तो फाइल होगा या नायबुल फाइल होगा या मफ़ूल बिही होगा या खबर होगी या मुब्तदा होगा, ये इसकी जो है वो सूरतें हैं। जी साहिबुल हाल, अगर हम किसी जुमले में किसी लफ्ज को हाल बना रहे हैं तो उसका साहिबुल हाल ज़रूरी है कि या फाइल बन रहा हो जुमले में या नायब फाइल बन रहा हो या मफ़ूल बिही हो या मुब्तदा हो या खबर हो, इसके अलावा किसी लफ्ज से हाल नहीं बनाया जाएगा। ठीक है जी। और कह रहे हैं अल असलु फी साहिबिल हाल अन यकूना मारिफतन, साहिबुल हाल में असल ये है कि वो मारिफा हो, लेकिन बाज़ औक़ात नकरा हो जाता है किसी मुसव्विक के पाए जाने की सूरत में। मुसव्विक कहते हैं कि कोई करीना पाया जाए कि जिससे पता चल जाए कि ये साहिबुल हाल बन रहा है अगरचे वो नकिरा भी है। और वो मुसव्विर यानी वो करीना क्या है, वो चार में से कोई एक बात हो सकती है। पहली बात, अंत तकद्दमा अलैल हाल, हाल पहले आ जाए तो फिर साहिबुल हाल नकिरा हो सकता है। जा अनीसा इलन तालिबुन, मेरे पास आया इस हाल में कि सवाल, जबकि वो साइल था, कौन आया, तालिब। तो पहली सूरत यह है कि साहिबुल हाल मुअख्खर हो जाए, हाल पहले आ जाए। दूसरी सूरत, दूसरा करीना, अन युखस्ससा बिवस्फिन अव इज़ाफतिन, के उस साहिबुल हाल को किसी सिफा या मुदाफ की सूरत में उसको मखसूस कर दिया जाए तो भी वो नकिरा हो सकता है। तो मौसूफ की सूरत में तो वो नकिरा ही रहेगा, इवन इजाफा की सूरत में भी नकिरा ही रहेगा क्योंकि इसका फिर आगे, लेकिन उसमें बाज़ सूरतों में वो मारिफा बन सकता है अगर वो उसका मुदाफ़ इलैह मारिफा होगा। तो जो हमने पढ़ा है कि अगर मुदाफ़ इलैह ही मारिफा हो तो फिर मुदाफ़ भी मारिफा बन जाता है, लेकिन बाय इटसेल्फ वो नकिरा ही हमें नज़र आ रहा होगा। दोनों मिसालें दी हैं, जाअनी तालिबुन मुवादिबुन, ये सिफा की मिसाल है। मुस्तअज़िनन फिल खुरूज, मेरे पास आया जो मुवादिब तालिबे इल्म है यानी गैरहाजरी न करने वाला तालिबे इल्म है। मुस्तअज़िनन फिल खुरूज, इस हाल में कि वो जाने की या छुट्टी की इजाज़त लेना चाह रहा था, लेते हुए या लेने की हाल। और दूसरे जुमले में इजाफा बताया है, इज़ा मुदाफ मुदाफिल, जाअनी तबीब अस्नानिन मुस्तफ्तियन, मेरे पास आया तबीब अस्नान दांतों का डॉक्टर डेंटिस्ट आया, मुस्तफ्तियन जबकि वो पूछ रहा था या पूछते हुए। तो दूसरा करीना हुआ कि उसको इजाफत या सिफत के साथ लाया जाए तो वो नकिरा आ सकता है। तीसरी सूरत, अयस्बिकहु नफ्युन अगुनाहियुन अव इस्तिफ़हामुन, कि वो साहिबुल हाल से पहले यानी वो जुमला नफी नहीं या इस्तिफ़हाम वाला हो। नफी की मिसाल दी, माजा अल्यौम अहदुन मुताअख्खिरन, आज कोई भी लेट नहीं आया। तो अहदुन
साहिबुल हाल बन रहा है, लेकिन जुमला चूंकि नफी वाला है तो नकिरा की साहिबुल हाल बन गया है। ला यदखुल अहदुन काअतल इम्तिहानी हामिलन हकीबतहु, मत दाखिल हो कोई एक भी एग्जाम हॉल में अपना बैग उठाए हुए। तो अहदुन यहाँ पर साहिबुल हाल बन रहा है, और चूंकि ये नहीं वाले जुमले में आ रहा है तो इसलिए नकिरा के तौर पर भी एक्सेप्ट कर लिया गया। अजा अल्यौम अहदुन मुताखिरन, क्या आज कोई लेट आया है? तो इस्तिफहाम की वजह से अहदुन जो साहिबुल हाल था वो नकिरा आ गया है। तीन करीने हो गए। चौथा करीना अन तकून अल हालु बादहु जुमलतन मकरूनतन बिल वावे, के हाल जो है वो वाव हालिया के बाद आ रहा हो, तो उस सूरत में भी साहिबुल हाल नकिरा आ सकता है। कुरान से आयत की मिसाल दी, औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया खावियतुन अला उरुशिया, यहाँ क़रियतिन साहिबुल हाल है और जो कि नकिरा है, और उसके बाद हाल वहिया खावियतुन अला उरुशिया, ये पूरा जुमला का हाल बन रहा है वाव हालिया के बाद। तो ये तो जनरली बात थी कि चार में से कोई एक मुसव्विर पाया जाएगा यानी करीना पाया जाएगा, लेकिन साथ ही फिर एक और बिल्कुल ही एक्सेप्शनल बात बता दी, वक़्त तजीउल हाल मिन नकिरति बिला मुसव्विर, और कभी हाल किसी नकिरा से आ सकता है और कोई करीना भी नहीं पाया जाएगा। कमा फिल हदीस सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदन वसल्ला वराअहु रिजालुन क़ियामन। तो अब यहाँ पर रिजालुन को साहिबुल हाल बनाया है और इसमें कोई करीना नहीं है, ना तो ये हाल मुकद्दम हुआ है, ना ही उसकी कोई सिफा बयान की गई है, ना नफी नहीं इस्तिफहाम है, और ना ही ये जुमला आ रहा है। कोई करीना ना पाए जाने के बावजूद यहाँ पर रिजाल को साहिबुल हाल बनाया है और क़यामन उसकी उसके लिए हाल बन रहा है, तो ये हो सकता है। कद तजीउ, कद के बारे में हम जानते हैं कि कद जब फिर मुदारे के साथ आता है तो किस माना में आ रहा होता है? कभी कभार के सर, कभी कभार तकलील के लिए आता है, किल्लत के लिए, तो ऐसा हो सकता है लेकिन ये बहुत कम है। ठीक है जी। अल हाल जुमला, हाल जुमला भी हो सकता है। कद तकून अल हाल जुमला तन इस्मिया औ फेलिया, हाल जुमला इस्मिया और फेलिया भी हो सकता है। नहु जलस्तु अस्तमिउ इला तिलावतिल कुरआनिल करीम मिनल इज़ाअत, तो जलस्तु में तू जो ज़मीर है वो फ़ाइल है और साहिबुल हाल है, और अस्तमिउ इला तिलावतिल कुरआनिल करीम मिनल इज़ाअत, ये पूरा जुमला फ़ेलिया जो बनेगा, ये पूरा जुमला जलस्तु में जो तू साहिबुल हाल बनाया था उसके लिए ये हाल बन जाएगा। दूसरा जुमला इल्तहक्तु बिल जामियाती वक़्त तखर्रज अखी, मैं एनरोल हुआ यूनिवर्सिटी में जबकि मेरा भाई ग्रेजुएट हो चुका था। तो इल्तहक्तु मैं यहाँ पर भी जो है वो तू साहिबुल हाल बन गया, और वक़्त तखर्रज अखी ये वाव हालिया के बाद जब फिर माजी से जुमला आ रहा हो तो उस सूरत में कद के साथ आता है। ये बात भी हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, वाव हालिया के बाद अगर जुमला फेल माजी से शुरू हो रहा हो तो कद का लाना जरूरी होता है। ठीक है जी। हफिजतुल कुरान व आना सगीर, ये वाव हालिया के बाद जुमला इस्मी आ रहा है, और हफिजतु यहाँ पर भी फाइल को साहिबुल हाल बनाएंगे, और जा अल जरीहु दमुहु यतदफ्फकु, जख्मी आया दमुहु यतदफ्फकु इस हाल में कि उसका खून जो है वो यतदफ्फकु फूट रहा था, तो दमुहु यतदफ्फकु ये जुमला इस्मिया है जो कि अल जरीहु फाइल से हाल बन रहा है। ठीक है जी। तश्तमिरुल हालुल जुमलतु अला राबितिन यरबितुहा बिसाहिबिहा, तो जब हाल जुमला बन रहा हो तो एक राबित उस जुमले के अंदर पाया जाता है जो कि वो राबित उसको साहिबुल हाल से मिलाता है, और राबित क्या हो सकता है? या तो ज़मीर होगी, नहु वजाउ अबाहुम इशाअन यबकूना, अब यबकूना के अंदर जो ज़मीर है ये जाऊ का जो साहिबुल हाल है उसके साथ इसको रिलेट कर रहा है, राबित बन रहा है, राबिता के लिए आ रहा है।
और या अलवाव होता है अकेला नहु वसलतु इला मक्कता वश्शम्सु तग़रुबु वाव हालिया आ रहा है यहाँ पे और ये उसके मजा आ रहा है और बाज़ औक़ात वाव और ज़मीर दोनों आ जाते हैं नहु खरजु मिन दियारिहिम वहुम उलूफ़ुन वाव भी है और हुम भी है खरजु का जो वाव है ये साहिबुल हाल बन रहा है और वहुम उलूफ़ुन ये जुमला हाल बन रहा है इसमें वाव भी आ गया राबित और हुम ज़मीर भी राबित के तौर पर इस्तेमाल हो रही है उलूफ़ुन के क्या मायने हैं थाउजेंड्स हजारों में ठीक ठीक दर्स में से निकालनी है मिसालें ये आप लोग निकाल लीजिएगा अब अगले जुमलों में से साहिबुल हाल और हाल मुतायन करने हैं जी डॉक्टर बुशरा अयाज मौजूद है हमारे साथ दखलतुल मुस्तशफा मरीदन व खरजतु मिनहु मुआफन वल्हम्दुलिल्लाह जी मौजूद हूँ आप तो इसको मरीदन की बजाय क्या कहेंगी दखलतुल मुस्तशफा तबीबतन जी कीजिए नंबर वन दखलतु المستشفى مريضًا وخرجت منه معافًا والحمد لله इसमें हाल और साहिब الحال متعین کر کے بتائیں کہاں پر ہیں دخلت المستشفى مريضًا وخرجت منه ترجمہ کریں نا ترجمہ پہلے ترجمہ کریں اور پھر حال اور ذو الحال متعین بتائیں मैं दाखिल हुआ अस्पताल में मरीज के हाल में तो मरीजन जो हाल है और दखलतु का तू ज़मीर जो है ये साहिबुल हाल है ठीक हो गया फाइल यहाँ पर साहिबुल हाल बन रहा है जी वखरजतु मिन्हु मा मुआफन और मैं वहां से निकला ठीक होकर आफियत के साथ आफियत जी आफियत के साथ वल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र तो इसमें खरज तू का तू फिर साहिबुल हाल होगा ठीक है और मिनहु मुआफन जो है ये हाल होगा मुआफन मुआफन सिर्फ हाल होगा ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट भी करेंगी उहिब्बुल लहमा मशवियन वस्समका मक्लियन वल्बैदा मसलूकन उहिब्बुल लहमा मशवियन मुझे पसंद है गोश्त भुना हुआ मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ फेल वाला तर्जमा लेना मैं पसंद करती हूँ गोश्त भुना हुआ जी तो इसमें उहिब्बू का ये जो इसमें ज़मीर है नहीं इसमें ज़मीर मुस्ततिर है अना जी वो जो है साहिबुल हाल है और मशवियन लहमल मशवियन जो है ये हाल है नहीं एक सेकंड साहिबुल हाल क्या है यहाँ पर उहिब्बुल लहमा मशवियन में उहिब्बू में आना नहीं तो क्या मतलब अपने आप को भूनना है नहीं पसंद उहिब्बू मैं पसंद करती हूँ आप पसंद करती हैं जी भुना गोश्त तो इस हाल में कि मैं भुनी हुई हूँ अल्लाह ना गुस्से में गुस्से में इस हाल में कि गोश्त भुना हुआ साहिबुल हाल बन रहे जी बस समका मक्लियन और मछली तली हुई फ्राई की हुई फ्राइड जी तली हुई तो इसमें मकलियन जो है ये हाल है और समक जो है वो साहिब हाल है वल बैदा मसलूकन और अंडा फ्राई किया हुआ उबला हुआ उबला हुआ बॉइल्ड
ठीक है, तो ये मसलूकन जो है ये हाल है और बैदा जो है ये साहिब हाल है। साहिबुल हाल। जज़ाकुमुल्लाह। जी सिस्टर राहिला, माज़ा क़ाल लकल मुदर्रिस मुशीरन बियदिही इलैया। जी सर, सर इसमें जो है अल मुदर्रिस जो है वो ज़ुलहाल है और मशीरन जो है वो हाल है। जी तर्जुमा भी बता दें। माज़ा क़ाल लकल मुदर्रिस, उसने क्या नहीं आपने क्या कहा मुदर्रिस को, हाथ से इशारा करके उसकी तरफ। नहीं, माज़ा क़ाला लका, क्या कहा आपसे अल मुदर्रिस मुदर्रिस ने आपसे मेरी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा। क्या कहा, ठीक। नेक्स्ट स्पीकर ने मा लका हजीनन, आप उदास क्यों हैं या गमगीन क्यों हैं। तो सर इसमें लका में जो काफ की जमीर है वो जुलहाल है और हजीनन जो है वो उसका हाल है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा जुलहाल या तो फाइल होगा, नायब फाइल होगा, मफूल भी होगा, खबर होगा, मुब्तदा। तो ये लका में क्या बन, किस को हम साहिबुल हाल बना रहे हैं। मा लका, ये तो लका वाली जो जमीर है ये तो फाइल तो नहीं है, जी मजरूर है, भी नहीं है, मफूल भी नहीं है, खबर भी नहीं है, मुब्तदा, तो फिर ये क्या बनेगा। सर नहीं पता वो इसको आई थिंक ये उसमें लेंगे जो हमने पढ़ा था मफूल भी गैर सरी। ठीक, ऐसे ये सर ये पहले माल फाइंड करें ना कि ये माल का किस तरह का जुमला बन रहा है, क्या है आपको, है तो इस्तफामिया है ना, मा इस्तफामिया है। जी मा इस्तफामिया है, इस्तफामिया है। तो सर मा मुब्तदा बनेगा ना, लका फिर उसकी खबर बनेगी। मा मुब्तदा बनेगा क्योंकि मा इस्तफाम है इसम होता है ना, मा इस्तफामिया। सॉरी, मा इस्तफामिया मुब्तदा है और लका जो है यहां पर खबर है, ये खबर का हाल है, खबर खबर वाला हाल बन रहा है। ठीक हो गया, सही सही, खबर का हाल है, सही है। अच्छा जी सिस्टर सीमा, हजीना क्या हुआ। हजीन गमगीन, सर गमगीन, जैसे आजकल हम सारे गमगीन हुए पड़े हैं। अच्छा मालका, तो इसका मतलब क्या हुआ, मालका हजीना, मालका हजीनन, आपको क्या है कि आप गमगीन हैं। अच्छा, ये हजीना, हजीना से इस्मुल फाइल बनेगा, इस्मुल फाइल या सिफत मुशब्बा कहेंगे इसको। सर इसको इस तरह भी कह सकते हैं, तुम्हें क्या गम है, तुम्हें क्या गम है, उर्दू में तर्जमा समझने के लिए कहा जा सकता है, क्या गम है, क्यों परेशान हो। जी सिस्टर सीमा रिजवान, जा अतनी तिफलतु बाकियतन व रजअत दाहिकतन। जा अतनी तिफलतु बाकियतन, मेरे पास आई बच्ची रोती हुई। तो इसमें अतिफलतु जो है वो जुलहाल है या साहिबुल हाल है और बाकियतन जो है ये हाल है। वरज अदाहिकतन, और इसमें जो रजत में जो हेया की जमीर है वो जुलहाल है और दाहिकतन जो है दाहिकतन जो है वो हाल है। इसके बाद है जी दूसरा भी कर दूं सर। जी जी करें। काबलतु अखवाती, मैं मिला अपनी बहनों से राजिआतिन, इस हाल में कि वो लौट रही थी मिनल मदरसती मदरसे से। तो इसमें सर अखवाती जो है ये जुलहाल हो गया और राजिआतिन जो है ये हाल हो गया। ठीक हो, अगला भी शफीक शफीक सत्ती साहब, अगले दो आप कर लें सर। कल्लमनी अल मुदर्रिस। जी सर, कल्लमनी अल मुदर्रिस माशियैनी, उस्ताद ने मेरे साथ बात की माशियैन के चलते हुए। सर चलते हुए, चलते हुए मुदर्रिस साहिब हाल है और माशेइना जो है वो हाल है सर।
अच्छा मुदर्रिस जो है वो फाइल है सर? नहीं, सिर्फ मुदर्रिस साहिबुल हाल है। आगे देखिए ना, माशिदाई तकनी आया है इस हाल में कि हम दोनों चल रहे थे। हाँ, इस हाल में कि हम दोनों चल रहे थे। जी सर, जी सर, जी सर। तो इसमें अल-फाइल और मफूल दोनों से ये हाल बन रहा है। इसमें दोनों से फाइल और मफूल दोनों जो है वो साहिब हाल है। फाइल तो हो गया और मुदर्रिस और मफूल क्या है? ये जो और ये वो अना जो है या जमीर है। ठीक है, नेक्स्ट भी कर लें। अमौजूनन युबाउ तमर। अमौजूनन युबाउ तमर अम मकीलन, मतलब खजूरें बेची जाती हैं वजन से या मेजरमेंट से? जी जी सर, इसमें जो अमूजून ये हाल हो गया सर। ठीक है, इस्तेफामिया नहीं है, साबित हाल जो है वो अमूजून जी, इस्तेफामिया तमरू, अतमरू। तो कैसे बेची जाती हैं खजूरें, मौजून बेची जाती हैं या मकील? वो तो सर वजन से बेची जाती हैं। अभी वजन से बेची जाती हैं, एज अ नाइन फाइल जी सर। अभी वजन से बेची जाती हैं, पहले ये कैल से ही बेची जाती थी खजूरें। जी सर, ठीक है। यानी जो पहला जमाना था तो उस जमाने में खजूरें कैल से बेची जाती थी। सर जो हालात है शायद आगे अदद से बेची जाएंगी। आगे अदद ही हालात से बेची जाएंगी। अरे अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहार रख इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अत्तमर जो है ये नाइबुल फाइल बन रहा है और उससे ये हाल बन रहे हैं मौजून और मकील। जज़ाकुमुल्लाह। आखिर में हमारे साथ कौन है? सिस्टर ताजुन निसा नंबर 9 और 10। लिमा सल्लैता क़ाइदन, लिमा सल्लैता क़ाइदन, तुम बैठ कर क्यों नमाज पढ़ रहे हो? जी सर, इसमें ता जो है जमीर ये फाइल है और साहिबुल हाल है, कायदन हाल है। ठीक हो गया। पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ी, पढ़ रहे हो? पढ़ी। क्यों बैठ कर नमाज पढ़ी? पढ़ रहे हो? नहीं, क्यों नमाज पढ़ी? बैठ माजी है। हाउलाई अबनाई हारिजीना मिनल बैती, वो मेरी बेटियां निकल रही हैं घर से। नहीं, बेटियां या बेटे? बेटे अबनाई ये। हाँ बुलाई, ये मेरी ये मेरे बेटे हैं। हाँ बुलाई अबनाई, ये मेरे बेटे हैं। खारिजीन मिनल बैती, निकलने वाले घर से निकल रहे हैं। तो यहाँ ये किस से हाल बन रहा है और हाल है क्या? सर ये खारिजीना, खारिजीना हाल है। तो साहिबुल हाल क्या होगा? अबनाई जो है वो साहिबुल हाल होगा। अबनाई यानी खबर को साहिबुल हाल बनाया हमने, ये खबर है। ठीक हो गया। सिस्टर अनीस, आप आखिरी 3 रह गए इसमें से, ये तीनों आप कर लें। हामिदुन मुफ्रदन अक्वा मिन आदाइही मुज्तमईना। जी सर, हामिदुन मुफ्रदन अक्वा मिन आदाइही मुज्तमईन, हामिद अकेला ज्यादा कवी है अपने तमाम दुश्मनों से। तो हामिदुन मुफ्रदन यानी हामिद अकेला, अकेला जो है ये हामिद की बन रहा है, हाल बन रहा है, इस हाल में क्या अकेला है? जी जी। ज्यादा कभी मिन आदाई अपने दुश्मनों से, सब इस हाल में कि वो जो है मुज्तमईन सब के सब हैं इकट्ठे हैं। जी जी। तो मुफ्रदन हामिद की बन रहा है और आदाई जो है वो इसका बन रहा है खबर का। तो हामिद मुब्तदा बन करके मुफ्रद जो है हामिद मुब्तदा का हाल बन रहा है और मुज्तमईन जो है वो खबर या अक्वा मिन आदाई।
नहीं, खबर के एक हिस्से का बन रहा है ना हाल सर जी, आदाई का साहिब वो बन रहा है हाल बन रहा है, लेकिन ये जुमले में कैसे बनेगा सर? मैंने आदाई जार मजरूर है, ये तो खबर तो अकवा बन रही है ना, अकवा मिन आदाई ही खबर तो अकवा कर सकते हैं, मुतालिक खबर, हाँ मुतालिक खबर खबर जी का हाल बन रहा है। अच्छा आराकी मुतालिक खबर तो नहीं होता, हाँ मुतालिक बड़े बड़े, ये जो है आदाई जो है वो क्या बन रहे हैं, उदुफ उदुफन सर, ये तब्दील के मुतालिक हो सकता है बिल्कुल सही है, लेकिन हम यूं अगर कहेंगे ना कि खबर के मुतालिक है तो वो ग्रामेटिकली दुरुस्त मेरा ख्याल नहीं रहेगा अगर हम कहेंगे इसमें तब्दील, क्योंकि जो मुतालिक है जार मजरूर के वो जो आठ है उसमें खबर नहीं आती, इसमें तब्दील आता है। आठ कौन से सर? उसमें आठ हैं, एक तो ये जो इस्म फाइल, इस्म मफूल, इस्म तफ़दील, मज़र और क्या था, अब मुझे याद नहीं आ रहे बाकी कौन से हैं जी। मैं अभी देख के बता देती हूँ। ये सारे क्या हैं, ये सारी टर्म्स किस मुतल्लिक होती हैं जुमले में? नहीं, जुमले भी किस चीज के मुतालिक होते हैं? इसम नहीं, इसम तफदील होना, इसम फाइल या इसम मफूल होना, ये टर्म्स सर्फ की हैं या नहव की हैं? सर्फ की हैं सर। सर्फ की हैं। और खबर या मुब्तदा होना, ये टर्म्स किसकी हैं? नहव की। नहव की, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ है, यानी जरूरी नहीं है कि इसम तफदील हो तो वो खबर नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, यहाँ तो सामने नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये खबर के मुतालिक हो रहा है इस तौर पर कि खबर के मुतालिक हो रहा है और वो खबर जो है इसमें तफदील है। जी ठीक है सर, यूं सही, मुतालिक के खबर कहना गलत नहीं है, मुतालिक के खबर है और खबर इसमें तफदील है। सर इसमें अकवा जो है वो जुल हाल होगा और अदाई जो है वो हाल होगा? नहीं, आदाई ये जुल हाल है और मुजतमईना हाल बन रहा है। जी जी अराकिबीन, जी अराकिबीन जी तुम अम्माशीना, अम्माशीना, तो ये जी तुम का जो है ना, तुम की जमीर जो है इसके दो हाल बन रहे हैं, दो हाल के तुम आए हो इस हाल में कि तुम सवार हो, सवार थे या तुम पैदल थे, यानी इस किस हाल में पहुंचे हो तुम, सवार सवारी की हालत में या पैदल चलते हुए, तो जे तुम में जो तुम की जमीर है उसके लिए तुम सब ऑल ऑफ यू उसका ये जुल हाल है ये या साहिबुल हाल है, और राकिबीना और माशीना ये दो इसके हाल हैं। ठीक हो गया। अच्छा قال تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين, और नहीं हमने पैदा किए या बनाए आसमान और जमीन और जो कुछ उसके दरमियान है, लाइबीन खेलते हुए। अच्छा सर इसमें मैं जो हूँ ना, लाइबीन जो है वो ना खलकना में जो जमीर है ना, उसका हाल भी बन सकता है कि हम उस वक्त खेल नहीं रहे थे कि जब हमने खेलते 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 ही बना दिया, और दूसरा मुझे लग रहा है कि समा वल अर्दा का भी बन सकता है कि हमने आसमान और जमीन मफूल भी का भी बन सकता है कि इसलिए नहीं बनाए कि वो खेलने कूदने की चीजें, दोनों का हाल मुझे लग रहा है कि बन सकता है इसमें, ये बड़ी इसमें वो है फसाहत है इस आयत में जी। आई थिंक ये हाँ। जो है ना दूसरी जो आपने बात की ना ये ज्यादा बेहतर है, आसमान और अर्दा के आसमान और जमीन जो है खेल कूद की चीजें जी जी मफूल भी का बन रहा है, मफूल बिही का मफहूम के एतबार से वो ज्यादा मुनासिब लगता है, अगरचे ग्रामेटिकली देखें तो ये फाइल का हाल बन रहा है, यानी हमारा बनाना जब हम बना रहे थे तो हम कोई खेल नहीं रहे थे, हमने किसी मकसद के लिए बनाए हैं, मतलब हमने खेल खेल में नहीं बना दिया जी। ग्रामर के एतबार से तो देखें तो वही है, खला पन्ना की जो फाइल वाली जमीर है उससे ये हाल बन रहा है जी, लेकिन इसको मफूल से अगर हाल बनाए
तो फिर हमें इसमें थोड़ी सी जो है ना इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि लाइब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो लाइबीन को मलऊब के माना में करना पड़ेगा कि ये खेल कूद या खेल तमाशा के तौर पर नहीं बना दिया हमने। लेकिन अगर असमा और वल अर्ज जो है वो तो दोनों मुअन्नस हैं तो बैना हुमा भी है ना तीन आगे जमा हो गए जमा हो गए ना तीन बैना हुमा भी आ गया ना जो कुछ इनके दरमियान है तीन चीजें जमा हो गई तो अब जमा में फिर मुजक्कर आ गया फिर वो मुजक्कर गालिब आ गया। अच्छा जी अकमिल अल जुमल अल आतिया बेवद अल क्वेश्चन था फिर आगे बढ़ जाएंगे। जी सिस्टर क्वेश्चन कीजिए। जी सर ये जो है ना राकिबीन है जितुम अम्माशीना तो इसमें हम इनको दोनों को दो हाल कहेंगे या हम इसको इस क्योंकि यह हर पे अत्फ है माशीना अत्फ कर रहा है राकिबीन पे किस जी मतलब लफ्जी एतबार से हम कहेंगे कि राकिबीना हाल मुकद्दम है जुलहाल से और अम आतिफा के साथ माशीना भी जो है वो हाल पर ही अत्फ हो रहा है तो मातूफ और मातूफ़ अलैही की हैसियत एक ही होती है ठीक है। अच्छा जी जुमले मुकम्मल करने हैं बेवद्दअल हालिल वारिदती फिल मिसाल फिल अमाकिन अल खालिया बाद तगयीरहा लितनासुब साहिबहा साहिब हाल की मुनासबत से जो टेंपरिंग करनी है वो करते हुए हमने इस हाल को लिखना है। इल्मन बिअन्न अल हाल तुताबिकु साहिबहा फिल इफ्रादी वत्तस्नियती वल जमई वफित तज़कीर वत्तानीस जान लें कि यानी ये बात जानते हुए कि हाल मुताबकत रखता है साहिबुल हाल से मुफरद तस्निया और जमा होने में और मुजक्कर और मुअन्नस होने में। पहली मिसाल दी है दखल तालिबु क़ाअतल इम्तिहान खाइफन तालिब इल्म दाखिल हुआ एग्जाम हाल में डरते हुए किसकी बारी थी सिस्टर अस्मा खालिद दखलत तुल्लाबु क़ाअतल इम्तिहानी क्या कहेंगी दखलत तुलाबु कातल इम्तिहानी गाजिबन नहीं खाइफ को ही हाल बनाना है लेकिन उसको गाजिबन क्यों इस पे गुस्सा था गुस्से में सर एग्जाम पे अच्छा उसी के बनाने में बनाए हुए खाइफ को ही जो है वो इस्तेमाल करना है सिर्फ चेंज कर देना है साहिबुल हाल के मुताबिक खाइफीना जी अत्तुलाब चूंकि जमा और मुजक्कर है तो इसलिए खाइफीना आ जाएगा ठीक हो गया। अगला करें दखलत तालिबतु लाइबतन सॉरी मतलब खाइफतन खाइफतन जी डरते हुए दाखिल हुई जी और दखलत तालिबातु खाइफतैनी नहीं तालिबात तालिबात का है जी जी इसका सर क्या होगा मुस्लिमातुन की जमा क्या आती है मुस्लिमातुन खाइफातुन खाइफातुन खाइफातन सॉरी खाइफातिन खाइफातिन सॉरी जी जी सर जी। अच्छा ये आयिन अल जुमलत अल हालिया फीमा याती वज़कुरिर राबिता फी कुल्ली वाहिदतिन मिन्हा ये यहाँ पर आगे मिसालों में हाल जो है वो जुमले की सूरत में आ रहा है और उसमें हमने हाल पहचानना है और उसका राबित भी बताना है। सिस्टर सीमा आपका हैंड रेज हुआ हुआ है क्या ये पुराना है या अभी दोबारा से सर सॉरी पुराने अच्छा जी डॉक्टर साहिबा हजजतु अना सगीर जी शहजाद साहब हजजतु व अना सगीर मैंने हज किया जबकि मैं छोटा था तो इसमें हजजतु में जो तू है ये साहिबुल हाल है और हाल जो ये जुमला इस्मिया की सूरत में है तो ये वाव जो है वो मतलब ये राबता वाली है और इसके साथ एक जमीर आ रही है आना वाव भी और आना दोनों चीजें वाव भी आना दोनों मौजूद है दोनों राबित जमीर दोनों राबित दूसरा भी कर लें ला तक़रबु सलाता व अंतुम सुकारा इसमें ला तक़रबु में जो वाव है जी ये जमीर आपकी वो है साहिबुल हाल जी जो फाइल है ये साहिबुल हाल है
और फिर वही पूरा जुमला इस्मिया हालिया है, वह अंतुम सुकारा, और इसमें भी वाओ और जमीर दोनों आए हुए, रवाबित दोनों मौजूद हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट भी कर लें, खरजना नतनज़्ज़ा। खरजना नतनज़्ज़ा, हम निकले आउटिंग के लिए, हम आउटिंग के लिए गए या आउटिंग के लिए निकले। तो इसमें जो ना की ज़मीर है ये आपकी फाइल जो है बतौर ज़ुलहाल है, और इसमें तो वो नहीं है, राबते वाली चीज नहीं है। क्यों नहीं है? राबित के बगैर तो है, 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 है। नून नून नहनु वाला नून, ये ज़मीर नहनु वाला नून जो है वो राबित है, वो उसका राबित है। ठीक हो गया जी। सिस्टर फरीहा, वसलत तबीब वक़द मात अल जरीह। वसलत तबीब वो तबीब वक़द मात अल जरीह, यानी डॉक्टर पहुंचा और उस वक्त जब जख्मी वफात पा गया, इस हाल में के जख्मी जो है वो वफात पा गया था। तो इसमें ये जुमला है हालिया जो वा के साथ राबित, मतलब वा एज अ राबित कनेक्टर इसमें हमें मिल गया एक, और इसमें एक ही राबित की जरूरत है क्योंकि ये जो मेरा ख्याल है जो जुमला फेलिया कद के साथ आता है ना, माजी के साथ, ये वा राबित के साथ ही सिर्फ सफिशेंट होता है ना। जी। उसके बाद है जलसत तौलबात यक्तुबन अलवाजिबाती, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं बैठी हुई थी साल में के वो होमवर्क लिख रही थी। इसमें जो जमीर है नून की यक्तुबना में हुन्ना वाला, मतलब ये एक तो ये राबित है और यही है राबित, बस जुमला हालिया है, मतलब जुमला फेलिया जुमला हालिया है यहाँ पर ना, यक्तुबना से शुरू हो रहा है जिसमें यही राबित है एक ही। और लास्ट क्वेश्चन कर दूं कंप्लीट करने वाला, قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نائمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو اور نماز پڑھو رات کے وقت جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو اس میں جو بناس نعام ہے یہ ہے، اس میں واو رابط ہے اور جملہ اسمیہ ہے، جملہ حالیہ ہے۔ اور صاحب الحال کیا ہے؟ یعنی اس سے پیچھے جو سلو میں ہے انتم، یعنی واو فائل، واو فائل جو ہے وہ صاحب الحال۔ جی۔ رشتوں کو جوڑو، वसील हो ना, वसल करना जोड़ना, वसल है यसील से ना, सिला रहमी करो, सिला रहमी करना। लोगों अफशु सलाम, सलाम को फैलाओ, अतइमु ताम खाना खिलाओ, वसीलुल अरहाम सिला रहमी करो, और रात को नमाज पढ़ो जबकि लोग सारे वाओ, सारे जो वाओ हैं अफशु अतइमु ये सारे साहिबुल हाल होंगे ना? नहीं 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 नहीं, वो आतिश है सारे पीछे वाले, वो बाकी सारे वो जो है वो सिंपल नहीं नहीं अफशु वाले, अफशु में जो आ रहे हैं फाइल वाले जो है वो सारे साहिबुल हाल नहीं है। अच्छा। सिर्फ का जो वो है वो वाला। जी शहजाद साहब, ये वसेलु है या वसिलु है? वसिलु है ना, वसिलु सिल है ना, सिल पहले अमर है, सिल और सिलु। जी जी वो मैं इसलिए कहती हूं कि वो पढ़ने में फिर किसी को ये इम्प्रेशन जा सकता है कि वसेलु मतलब वर्ड तो अलग है ना, वा वसेलु है। वादा या ईदू के पैटर्न पर ईद बनता है। इसका अगला हिस्सा क्या है? सिल बनता है। यह हदीस हाल कौन सा इसमें आपने बताया? जुल हाल वन नासु नियाम, वन नासु नियाम जो है ये हाल है, और सुल साहिबुल हाल यहाँ पर बन रहा है। सल्लू जो इससे पहले गुजरा है उसका जो फाइल है वाओ जो अंतुम की पर दलालत कर रहा है वो साहिबुल हाल है, और वन्नासु नियाम जो है ये जुमला हाल बन रहा है, और वाओ यहाँ पर राबिते के लिए आ रहा है। और ये देखने में बिल्कुल ऐसे एक जैसे वर्ड्स लग रहे हैं ना, वसिलु और वसल्लु, तो उसमें काफी डिफरेंस है कि मतलब वसिलु का वर्ड है फिर अमर है, और सल्लू तो है कि
मतलब दूसरा वाला और वो स्वाद लाम या वाला जो या स्वाद लाम वाव वाला जो सला से सल्लू वाले में तो इतनी गलत फहमी का इम्कान नहीं है लेकिन वसीलू में है वो बन रहा है उसमें गलत फहमी बन रही है। अच्छा तो मैंने ये पूछा कि ये हदीस यहाँ पर तो कंप्लीट नहीं होती, इससे आगे क्या है? जी सर वो ये है कि वदखुलुल जन्ना और जन्नत में दाखिल हो जाओ इस तरह से आगे वदखुलुल जन्नत बिस्सलामी बिस्सलाम सलामती के साथ से सलामती के साथ ये सारे काम करो। इसमें सारे देखे ना वजन वो किया गया है अफशुस्सलाम अतइमुत्तआम वसिलुल अरहाम وصلوا بالليل والناس نيام ادخلوا الجنة بالسلام یا تدخلوا الجنة بالسلام دونوں طرح سے آیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی سسٹر انیس آپ کا ہینڈ ریز ہے جی سر میں یہ کوسچن کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو جملہ اسمیہ ہے جب یہ واو کے ساتھ آتا ہے تو یہ ایز اے حال تو ہم پہچان جاتے ہیں فوراً کے حال ہے اب 263 پہ ٹاپ لائن حفظت القرآن و انا صغیرن تو یہ واو حالیہ ہمیں پتہ ہے اور انا صغیرن جو ہے وہ حال بن رہا ہے واو رابطہ بن رہا ہے اور لیکن اس میں دوسرا جو جملہ ہے جا الجریح دمہ یتدفق اور اگر اس میں واو نہیں ہے تو پچھلے والے جملے میں حفظت القرآن انا صغیرن تو یہ بھی پھر اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں حال اگر اس طرح کا جملہ بھی ہے تو وہ بھی کریکٹ ہے حفظت القرآن انا صغیرن حفظت القرآن انا صغیرن نہیں جملہ اسمیہ جب حال بن رہا ہو تو واو لازمی ہوتا ہے وہاں پہ سر آگے بھی تو جاء الجریح دمہ یتدفق یہاں پہ واو نہیں ہے نا سر یہی تو میں پوچھ رہی ہوں مجھے کنفیوز کر رہی ہے چیز تھوڑی سی اسی کے ساتھ جو جملہ ایگزامپل کے طور پہ دیا ہوا ہے انہوں نے جاء الجریح اور اگر مجھے اچھا لگتا اگر یہ دمہ یتدفق یعنی بیکاز وی آر فیملیئر ود دس کانسیپٹ کہ واو حالیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے تو وہ حال بنتا ہے لیکن اس میں واو مسنگ ہے اور اس میں سر نے لکھوایا ہے کہ جو ہو ہے نا ضمیر یہ رابطہ بن رہی ہے جی دمو ہو کی ضمیر جو ہے سر میں نے ہینڈ ریز کیا تھا میں اس کو ایکسپلین کر دوں جی جی سسٹر جی سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب جملہ اسمیہ حال ہوتا ہے نا تو رابط واؤ اور ضمیر دونوں ہوتے ہیں اکثر جس طرح اس میں واؤ بھی ضمیر ہے اور انا بھی نہیں واؤ بھی رابط ہے اور انا بھی رابط ہے لیکن کہتے ہیں کہ خالی ضمیر کا رابط ہونا ضعیف ہے یہ میں نے باقاعدہ گرامر کے استاد سے ہی پڑھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ اس جملے میں ہے کہ دمہ یتدفق جو ہے نا یہ اس میں یعنی ایسی سچویشن ضعیف سے مطلب ہے کم ہے یہ کم ملتا ہے ایسا کم ہوتا ہے واؤ اس سے پہلے ہوتا ہی ہے نا تو مطلب یہ رابط کا ہونا ضروری ہے ایک رابط ضروری چاہیے اب یہاں پہ ایک رابط تو نہیں ملا لیکن ہمیں ہو کی ضمیر مل گئی تو ایک کنیکٹر تو چاہیے نا پچھلے جملے سے کمبائن کرنے کے لیے جملہ حالیہ کو جو اس میں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں فعلیہ میں تو فعل کے اندر ہی جیسا یبکونا میں جو فعل کے اندر ہی ضمیر ہے وہ مل جاتی ہے لیکن جملہ اس میں ہمیں پھر اس طرح سے ایک واو آبویسلی نظر آ جاتا ہے اور پہلے والے میں وا اور پلس انا دونوں ہی رابط ہمیں مل گئے اور اکثر دونوں رابط ملتے ہیں جملہ اس میں تو سر کیا اس میں جاء الجریح دمہ یتدفق اس کو حال کے علاوہ اور کچھ ایکسپلین کر سکتے ہیں is there any other way to explain this construction of a sentence میرا نہیں خیال کہ اس کو دوسری صورت اس کی زیادہ سے زیادہ صفت بنا سکتے تھے وہ بھی نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیوں جملہ جو ہے نا وہ نکرہ کے حکم میں معرفہ کی نہیں بن سکتا بالکل صحیح ہے سر نہیں بنے گا صفت نہیں بن سکتا یا ہم اس کو ایک نیا جملہ لے سکتے ہیں مبتدا اور وہ کر کے ہے نا نیا لیں گے لیکن اس کا پھر بھی پچھلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن تو بنائیں گے نا وہ کے ساتھ ہو ہی جائے گا نا سر وہ اس کو بس اگر اس کو حال نہ لیں تو یہ پھر بھی اس کا کانسیپٹ تو سمجھ آ رہا ہے نا کہ مریض آیا نہیں وہ زخمی آیا اس کا خون بہ رہا تھا یعنی اب آپ کسی ماضی میں کوئی سٹوری ایکسپلین کریں تو آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملوں سے بھی ایکسپلین کرتے ہیں اور ایکچولی دیکھیں بہ رہا تھا اب اصل میں تو یتدفق جو ہے یتدفق کا معنی تو ہے نا اس کا خون بہ رہا ہے لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں بہ رہا تھا تو یہ آٹومیٹکلی حال والا ہی ترجمہ ہو رہا ہے جب وہ آیا تو تب بہ رہا تھا اچھا صحیح ہے اوکے بہتے ہوئے خون کے ساتھ آیا جی صحیح یہ
या हम इसको ले सके हैं कि इसका मफूल भी मुकदम फाइल मुकदम हो गया या तदफ्फुक़ू का फाइल तो मुकदम नहीं होता फेल से नहीं जब होता, मुकदम होता तो मुब्तदा बन जाता है ना तो जहाँ का फाइल है जहाँ का सही है ठीक है ओके ठीक है सर ओके जज़ाकअल्लाह अच्छा जी कुल्लु तालिब कहें जलस्तु अकरा जलस्तु अक्तुबु जलस्तु अलाबु मैं बैठा इस हाल में कि मैं पढ़ते हुए बैठा मैं लिखते हुए बैठा और मैं खेलते हुए बैठा फातिहन फाहू यहाँ पर फू अस्माए हमजा में से है फूहू सगीरुन इफ्ताह फा का यकूलु बिफीही माली सफी कल्बिही तो ये अस्माए हमजा का इराब बताया यहाँ पर कि रफा वाओ के साथ नसब अलिफ के साथ और जरिया के साथ लाइबुन मस्तर है लाइब यलअबु से और ये फाइल उनके वजन पर आ रहा है तो कदाबा यकदिबू से भी मस्तर आएगा कदीबुन और दाहिका यदहकु से भी दाहिकुन वजन आएगा हवा का मुदारे क्या आएगा हवा यहवी यहवी अफशा का युफी युफी और अफशा की तरह हमने वैसे कौन सा टेबल किया है हवा और अफशा की तरह दोनों को अगर हम करें तो हवा या तो हदा यहदी और अफशा युफी की तरह बहुत सारे किए हैं अभी जो मतलब हमारी बुक्स में किसी वाली बुक्स में आ रहा है तो वो अलका आ रहा है अच्छा जी जमा बैत की जमा जो है वो बैत शेरिन शेर शेर का जो वो है उसका क्या बनेगी जमा अबियातुन अबियातुन अबियात और अगर घर हो तो फिर बुयूत और फम की जमा क्या आएगी अफवाहुन अफवाहुन मुफरत बताना है अरहाम अरहाम का मुफरत रहीमुन रहमुन रहमुन और सुकारा इसका वाहिद सकरान 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 और नियाम नाइम की जमा है और नाइमा दोनों की जमा है नाइम और नाइमा दोनों की जमा नियाम है जैसे क़याम क़ाइम और क़ाइमा दोनों की जमा बनता है अल्लज़ीन यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम और क़ुऊद क़ाइद व क़ाइदा की जमा है खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा निस्वतुन जुलूसुन तो जुलूस जालिसतुन की जमा जालिस या जालिसत दोनों की ठीक हो गया जी अब आ गया जी मुस्तस्ना जी सर ये है मुस्तस्ना गहरी सांस ले लें मुस्तस्ना से पहले जी सर डेली काफी सारी गहरी लेनी पड़ेगी मुस्तस्ना अच्छा जी अल इस्तिस्ना इस्तिस्ना किसको कहते हैं इखराज मा बाद अदात अल इस्तिस्नाई मिन हुक्म मा कबलहा जो अदात इस्तिस्ना के बाद आने वाला है उसको मा कबल के हुक्म से निकालने को इस्तिस्ना कहते हैं फ़ैदा कुलना नजाहत तुल्लाबु इल्ला हामिदन जब हम ये कहेंगे कि तमाम स्टूडेंट्स पास हो गए हामिद के अलावा तो अस्बतन नजाह लित्तुल्लाब हमने स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी का इस्बात किया व नफ़ीना अन हामिद और हामिद से उसकी नफ़ी कर ठीक है जी सिस्टर ने कहा कि रहम और रहम दोनों मिलते हैं मेरा मुझे इस वजह से वो आ रहा है रहम ज्यादा इस्तेमाल होता है जी रहम महरमिन ये जो है ना वो यूज की जाती है जी रहम महरमिन महरम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जब वो बताए जाते हैं मसाइल उसके पर्दे के अहकाम तो उसमें जी रहम इस्तेमाल हुआ है ज्यादा मे बी रहम भी होता हो वाहिद इसका अच्छा जी तो इसके तीन अरकान हैं अल मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिनहु और अदातुल इस्तिस्ना अच्छा ये देखें अदातुल इस्तिस्ना कह रहे हैं अदात कहते हैं आला इसको हर्फ इस्तिस्ना नहीं कह रहे इसमें इस्तिस्ना नहीं कह रहे क्यों इसलिए कि इसमें इस्तिस्ना के लिए कुछ इस्तेमाल होने वाले हरूफ हैं और कुछ असमा हैं और कुछ फेल हैं तो इसलिए
कलेक्टिवली एक ऐसा लफ्ज यूज किया है जो तीनों पर जो है वो बोला जा सके, अदातुल जैसे अदातुल शर्त पड़े थे जी, अदातुल शर्त पड़े थे, और इसी तरह अदवातुल निदा भी ऐसे ही हैं, या आया ये जो है वो कायम मकाम अफाल के लिया जाता है, इनको आ हर्फ है, ठीक है। तो कुछ जगहों पर आपको हुरूफ इस्तेफाम नहीं, इस्तेफाम में भी ऐसा ही है, अदातुल इस्तेफाम कहा जाता है उसे, क्योंकि उसमें भी कुछ हुरूफ हैं कुछ अस्मा हैं। तो अदात जब भी आए तो इससे मुराद ये है कि अब इसके तहत जो चीज़ें आने वाली हैं वो एक ही चीज़ नहीं होगी, यानी सिर्फ हुरूफ या सिर्फ अस्मा नहीं होंगे बल्कि मिक्स होंगे, इस वजह से वहाँ पर ऐसा लफ्ज़ लिया है जो दोनों के लिए बोला जा सके टूल के तौर पर। अच्छा जी, अदवात अलिस्तिस्ना कसीरा, इस्तिस्ना की अदवात कसीर हैं, अहमुहा उनमें से अहम है इल्ला, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है इल्ला, ये हर्फ है, गैरा और सिवा ये दोनों इसम है, मा खला और मा अदा ये दोनों फेल है। इस्तिस्ना की किस्में, इस्तिस्ना या तो मुत्तसिल होगा या मुनक़ते, मुत्तसिल वो है कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनहू में दाखिल हो, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनहू का हिस्सा हो, और मुनक़ते वो है कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनहू का हिस्सा ना हो, ठीक है। दोनों की मिसालें दी हैं, पहले की मिसाल के नजहत तुल्लाबु इल्ला हामिद, हामिद भी स्टूडेंट्स में शामिल था लेकिन कामयाब नहीं हो सका, तो इसलिए उसको मुस्तस्ना कर दिया गया क्योंकि उन्हीं की जिन्स में से तो था, तो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल हुआ। और मुनक़ते लिकुल लिदा इन दवा उन इल्ला मौता, हर बीमारी के लिए कोई दवा है मौत के अलावा, तो मौत जो है वो बीमारी नहीं है बल्कि मौत एक अलग चीज़ है, तो ये मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनहू में दाखिल नहीं है। पहली बात, मुस्तस्ना की एतबार से इस्तिस्ना पहले एक तकसीम की जाएगी कि ये मुत्तसिल है या मुनफसिल मुनक़ते, फिर इस्तिस्ना या तो ताम होगा या मुफर्रक होगा। ताम वो है कि जिसमें मुस्तस्ना मिनहू को जिक्र किया जाए, और मुफर्रक वो है कि जिसमें मुस्तस्ना मिनहू जिक्र ना किया जाए। ये दो बातें हो गई। फिर उसके बाद तीसरी बात है कि इस्तिस्ना या तो मूजब होगा या गैर मूजब होगा। मूजब जिसमें नफ़ी नहीं और इस्तिफ़हाम ना हो, और गैर मूजब वो है कि जिसमें नफ़ी नहीं और इस्तिफ़हाम हो। तो अब इस सब को अगर इकट्ठा करें तो ये कई सूरतें बनती हैं। मसलन मुस्तस्ना मुत्तसिल हो, पूछनी है यहाँ पे प्लीज सर, ये जो गैर मूजब है इसमें आपने कहा नफी नहीं और इस्तफाम ना हो, अच्छा इसमें वो भी आ सकता है जो अमर होता है या खाली नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा, अमर नहीं होता इसमें शामिल। नफी नहीं और इस्तफाम हो तो गैर मूजब है, ना हो तो मूजब है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में इसको कह सकते हैं कि अगर कलाम मुस्बत है तो वो मूजब है, और मनफी कलाम है या तलबी कलाम, इसको हमने पढ़ा था इससे पहले फेल तलब के साथ, तो तलब या तलब या इस्तेफहाम, उस सूरत में ये गैर मूजब है। तो कई सूरत नहीं है, अमर मतलब नहीं का जिक्र तो है नफी का नहीं और इस्तेफहाम का, लेकिन इसमें अमर का जिक्र नहीं है। इसी तरह पीछे उसमें भी अमर का जिक्र नहीं था, जो हमने एक और तमीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी जो हमने, उसमें भी सिर्फ नफी नहीं और उसका आमतौर पर ना देखें, हमने आई थिंक वो इंशा वाले जुमले पढ़े नहीं है, उनको हमने मतलब इस डिटेल से पढ़ा नहीं है। जुमले की असल में बुनियादी तौर पर दो सूरतें बनती हैं, एक जुमला खबरिया और एक जुमला इंशाइया। तो इन अमर जो है ना वो बेसिकली तो इंशा में आता है जी, तो उसमें मेरा ख्याल है हुक्म देते हुए भी इस्तिस्ना का वैसे इस्तेमाल तो हो सकता है जी, इसीलिए से क्योंकि ये आता तो जुमला इंशाइय में है ना अमर भी जी, अमर और नहीं दोनों ही इस्तिस्ना भी इंशाइय वो जुमला होता है ना जिसमें जिसको आप सच और झूठ ना करार दे सके जी, तो इसमें अमर तो आ रहा है अमर लिखा हो तो अमर नहीं दोनों उसमें शामिल होते हैं,
और अगर नहीं है तो सिर्फ नहीं है, इसमें नहीं लिखा हुआ, अमर नहीं लिखा हुआ, मतलब तलब लिखा हुआ ही नहीं है, मतलब इसको फेले तलब भी नहीं कहा गया ना यहाँ पे, ये तो स्पेसिफिकली कहा है नहीं नहीं और इस्तेफाम, यानी अमर इज नॉट, यानी सर तलबिया में तो लेकिन अमर होते है ना, तलबिया में तो अमर होगा ना, ये तलबिया में से नहीं आएगा, इसमें स्पेसिफिकली नफी नहीं और इस्तेफाम की बात है, तो इसका मतलब यही है कि फिर जो अमर वाला है वो फिर कलाम मूजब में आ जाएगा, नफी नहीं और इस्तेफाम के अलावा जो भी होगा वो मूजब में आ जाएगा, वो फिर मुस्बत हो जाएगा, अमर वाला मुस्बत हो जाएगा जी। ठीक, तो कितनी सूरतें बनेंगी, मुस्तस्ना मुत्तसिल हो, पहली सूरत मुस्तस्ना मुत्तसिल हो और इस्तिस्ना ताम हो, कलाम मूजब हो, एक सूरत मुस्तस्ना मुत्तसिल हो और इस्तिस्ना मुफर्रग हो, कलाम मूजब हो, दो सूरतें मुस्तस्ना मुत्तसिल हो, इस्तिस्ना ताम हो, कलाम गैर मूजब, चार मुस्तस्ना मुत्तसिल, इस्तिस्ना मुफर्रग, कलाम गैर मूजब, मुनकता भी तो कहीं आए, अब फिर मुनकता के साथ भी इसी तरह बन जाएंगी ना, चार पांच सूरतें, तो जितनी ये मुत्तसिल की बनी है इतनी फिर मुनकता की भी बन जाएगी, क्योंकि काफी सारी सूरतें बनेंगी, तो इसी हम उन सूरतों में नहीं जाते, हम आ जाते हैं अहकाम पर, इल्ला के साथ जब इस्तिस्ना होगा तो हम उसका हुक्म देखते हैं, हुक्मुल मुस्तस्ना फिल इस्तिस्ना इल मुत्तसिल, इस्तिस्ना मुत्तसिल हो तो इल्ला के साथ आ रहा हो तो फिर क्या हुक्म होगा, मुस्तस्ना मुत्तसिल को याद रखें, मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है कि जो मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु का हिस्सा हो, पहली सूरत है वुजूब नसब, नसब वाजिब है, यजीब नस्बहु इदा कान अल इस्तिस्ना ताम, चलिए आप कहां से पढ़े प्लीज, पेज नंबर 269 के पहली सूरत है कि इस्तिस्ना के ऊपर नसब पढ़ना वाजिब है, मुस्तस्ना पर जो मुस्तस्ना इल्ला के बाद लिखा हुआ है उस पर नसब पढ़ना वाजिब है, और ये कब होगा, जब इस्तिस्ना मुत्तसिल, तो पहली बात हमने कर दी, ये सारी सूरतें मुत्तसिल की आ रही हैं, इस्तिस्ना मुत्तसिल हो और इस्तिस्ना ताम हो और कलाम मूजब हो, नहु हजरत तालिब हजरत तुल्लाब इल्ला हामिदन, अब मुत्तसिल को कैसे पहचानेंगे कि मुस्तस्ना जो हामिदन है ये अत्तुल्लाब का हिस्सा है, उसकी जिन्स में से है, ताम को कैसे पहचानेंगे के मुस्तस्ना मिन्हु जिक्र किया गया है, अत्तुल्लाब मुस्तस्ना मिन्हु है, और मुजब को कैसे पहचानेंगे कि ये कलाम नफी नहीं या इस्तेफाम वाला नहीं है, पहली मिसाल, दूसरी मिसाल रायतु तुल्लाब इल्ला हामिदन, इत्तसलतु बित्तुल्लाब इल्ला हामिदन, तीन मिसालें दी हैं, यानी पहली सूरत में अत्तुल्लाबु रफा फाइल था, दूसरी सूरत में रायतु तुल्लाब मुस्तस्ना मिन्हु मफ़ूल था, तीसरी सूरत में हर्फ जर के बाद मजरूर था, दूसरी सूरत जवाज़ुन नस्बी वल इत्बाही, नसब भी जायज है और इतबा भी जायज है, इतबा के माना यानी जो पीछे वाला था उसी के मुताबिक लिया जा सकता है, यानी जो पहले गुजरा है यानी मुस्तस्ना मिन्हु गुजरा है, मुस्तस्ना मिन्हु का जो एराब था उसी की इतबा करना भी जायज है, और ये कब होगा, इज़ा कान अल इस्तिस्ना उतामन गैर मुजबिन, मुत्तसिल याद रखें, मुत्तसिल की बात हो रही है सिर्फ, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल था और इस्तिस्ना ताम था यानी मुस्तस्ना मिन्हु मजकूर था और कलाम गैर मुजब हो गया, यहाँ पे गैर मुजब से मुराद नफी नहीं है, इस्तिफाम आ गया, मा हज़रत तुल्लाबु इल्ला हामिदन भी कह सकते हैं इस्तिस्ना की वजह से और हामिदुन भी कह सकते हैं अत्तुल्लाबु की इत्तिबा करते हुए, फाइल है वो, मा सअलतु तुल्लाबा इल्ला हामिदन, हामिदन इसमें तो दोनों नसब ही की हालत में है, लेकिन एक्सप्लेन दो तरह से किया जा सकता है कि ये या तो इल्ला इस्तिस्ना की वजह से हम इसको नसब दे रहे हैं या अत्तुल्लाबा जो मफूल था उसकी इत्तिबा करते हुए हम इसको नसब दे रहे हैं, तीसरी मिसाल मुत्तसलतु बित्तुल्लाबी इल्ला हामिदन और हामिदिन, ये बित्तुल्लाबी की इत्तिबा करते हुए हामिदिन मजरूर आ गया और इल्ला हामिदन इस्तिस्ना का ख्याल रखते हुए इसको
नसब भी दिया जा सकता है। ये नफी की मिसालें थी। अगली तीन मिसालें नहीं की हैं। ला यखरुज अहदुन इल्ला हामिदन। अब अहदुन को यहाँ पर मुस्तस्ना मिनहु लिया गया है, कोई एक। ला यखरुज अहदुन, कोई भी ना निकले, कोई भी ना निकले इल्ला हामिदन, हामिद के अलावा। तो अहदुन अहदन और अहदिन के एतबार से हामिदुन हामिदन हामिदिन भी जायज है, और इस्तिस्ना का ख्याल रखते हुए सिर्फ नसब भी पढ़ना दुरुस्त है। और तीसरी तीन मिसालें इस्तेफाम की दी हैं। हल गाबा अहदुन, हल रअयतु अहदन, हल इत्तसलता बी अहदिन। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ओके, खामोशी रजामंदी की अलामत है। तीसरी सूरत मीम रजामंदी की। अच्छा, इराबुहु बिहस्बि मा यक्तदीहि अल-आमिल। किसी सूरत यह है कि जैसा आमिल चाहता है, यानी जुमले में जो चीज ये बन रहा है इस्तिस्ना, जिस चीज पर जिस जगह पर आ रहा है उसका जो तकाजा है उसके मुताबिक उसको एराब दे दिया जाए। युअरबु बिहस्बि मा यक्तदीहिल आमिल कमा लौ कानत इल्ला गैरा मौजूदा। यानी अगर इल्ला ना होता तो इसको क्या बनना चाहिए था? ये तब होगा जब इस्तिस्ना मुफर्रग हो। मुफर्रग किसको कहते हैं? जब मुस्तस्ना मिनहु जिक्र न किया जाए। मा जाअ, अब इल्ला को अगर हटा दें तो हामिदुन आजा हामिदुन होता। तो मा जा इल्ला हामिदुन, मा सअलतु इल्ला हामिदन। अगर इल्ला को हटाएंगे तो मा जा हामिदुन और मा सअलतु हामिदन बनेगा। मत्तसलतु इल्ला बि हामिदिन। ठीक है जी। और मुस्तस्ना मुनक़ते के अहकाम क्या है? यजिब नस्बुहु फी जमील अहवाल। मुस्तस्ना मुनक़ते, मुनक़ते से मुराद मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनहु का हिस्सा नहीं है। मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनहु का हिस्सा नहीं है तो इल्ला के बाद हर सूरत में ये मनसूब हालत में आएगा। इसमें जवाज की कोई और सूरत नहीं है। हज़रतुल्लाबु इल्लल मुदर्रिसा, अब अल मुदर्रिस तुल्लाब में शामिल नहीं है, इसलिए यह हमेशा अतुल्लाबु इल्लल मुदर्रिसा ही रहेगा, चाहे कलाम मूजब हो या गैर मूजब हो। इससे फिर तो ये आसान हो गया ना, सारी कंडीशंस जो है वो मुत्तसिल के लिए, मुनक़ते के लिए तो हर हाल में जो है वो चाहे अफर्मेटिव है चाहे वो है नहीं नफी है वो है, उसके लिए जो है वो मंसूबी आएगा आगे, सिंपल मंसूबी आएगा जी। जो चेंजेस आ रही है वो मुस्तस्ना मुत्तसिल के लिए आ रही है। बिल्कुल, यू आर राइट। अच्छा जी, मुस्तस्ना गैरा और सिवा के साथ जब मुस्तस्ना आ रहा हो तो फिर क्या होगा? हुक्मुल जर्रु बिल इदाफा व तुअरबु गैरु बिमा काना युअरबु बिल मुस्तस्ना मा इल्ला। ये थोड़ा सा समझने वाला है कि गैरा तो गैरा और सिवा तो चूंकि इसम है तो ये तो बन जाएंगे मुदाफ और इनके बाद आ जाएगा मुदाफ इलैही। ये गैरा और सिवा का एराब क्या होगा? तो सिवा तो मुताबिक होगा ना, सिवा तो बन जाएगा इसम मकसूर है, वो हमें नजर नहीं आएगा कि उस पर क्या इराब बन रहा है, बस हमें हर हाल में सिवा ही पढ़ रहे होंगे। गैरा पे आके हमें देखना होगा गैरू गैरा गैरी कैसे। तो गैरू गैरा और गैरी ये हम उसको लेंगे मुस्तस्ना मा इल्ला वाला इराब लेंगे। जाअतुल्लाबु इल्ला हामिदन था ना, तो हामिदन नसब था तो गैरा यहाँ पर नसब में आ जाएगा। जाअतुल्लाबु गैर हामिदिन, मा जाअतुल्लाबु गैरु हामिदिन। तो मा जाअतुल्लाबु गैरु हामिदिन और गैर हामिदिन दोनों दुरुस्त हैं, क्योंकि हमने मुस्तस्ना मुत्तसिल में पढ़ा है कि जब कलाम गैर मूजब हो और मुस्तस्ना जो है वो इस्तिस्ना ताम हो तो दोनों सूरतें जायज हैं। तो दोनों सूरतों के हिसाब से, यानी एक तो ये है कि इल्ला के बाद नसब पढ़ें और दूसरा क्या इत्तबा कर लें, यानी मुस्तस्ना मिनहु की इत्तबा कर लें। तो गैरु और गैरा दोनों दुरुस्त हैं। मा जा गैरु हामिद, मा सअलतु गैरा हामिद। और मा खला और मा अदा के बाद क्या होगा? इसका हुक्म भी नसब होगा। मा जा अतुल्लाबु मा खला हामिदन, मा अदा हामिदन। ये भी आसान है। तो जो ज्यादा कन्फ्यूजन आ रही हैं वो सारी किस में आएंगी? जिसको हमें जरा गौर से देखना है वो आएगा हमें मुस्तस्ना मुत्तसिल हो तो उसकी मुख्तलिफ सूरतें आएंगी। वो सूरतें दो दो बनती हैं, तीन तीन सूरतें बन रही हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल की।
तीन सूरतें बनी हैं। एक नसब वाजिब है, दूसरी नसब और इत्बा दोनों जायज हैं, और तीसरा आमिल के मुताबिक उसका एराब चाहिए। तो नसब वाजिब है जब सारी पहली पहली बातें, मुस्तस्ना मुत्तसिल है, कलाम ताम है और कलाम मूजब है। मुस्तस्ना मुत्तसिल, इस्तिस्ना ताम है और कलाम मूजब है, पहली पहली बातें, यानी हर दो में से पहली सूरत ले रहे हैं। मुस्तस्ना मुत्तसिल, इस्तिस्ना ताम और कलाम मूजब, तो नसब वाजिब है। मुस्तस्ना मुत्तसिल, इस्तिस्ना ताम और कलाम गैर मूजब, तो दोनों सूरतें जायज, नसब भी जायज और इत्बा भी जायज। और मुस्तस्ना मुत्तसिल, इस्तिस्ना भी मुफर्रग, और ये इस्तिस्ना मुफर्रग होता ही तब है जब कलाम गैर मूजब हो। इस्तिस्ना मुफर्रग गैर मूजब में ही होगा, मूजब में नहीं होता, यानी ये नहीं होता जा आहदुन इल्ला हामिदुन, इस तरीके से नहीं होगा। मा जा इल्ला हामिदुन या मा, यानी मुफर्रग तभी होगा जब ये गैर मूजब होगा। मूजब में आम जो है वो मौजूद नहीं होगा। जी, मुस्तस्ना मिन्हु का हजफ आमतौर पर होता ही तब है जब ये कलाम गैर मूजब हो। कलाम मूजब में मुस्तस्ना मिन्हु का हजफ होना इतना ज्यादा नहीं है। एक दफा शहजाद साहब, ये थर्ड वाली जो है, पहली कंडीशन आपने बताई कि मुत्तसिल ताम और मुजब होगा जब के उस सूरत में नसब जो है वो वाजिब वाजिब है जी, और दूसरी सूरत थी मुत्तसिल ताम और गैर मुजब, और इसमें नसब भी होगा और इत्तबा भी होगा, दोनों जायज हैं। सर जरा फिर से दोहराएंगी प्लीज डॉक्टर साहब। पहली सूरत मुत्तसिल ताम, मुत्तसिल प्लस ताम प्लस मुजब इज इक्वल टू नसब वाजिब प्लस मुजब, और मुत्तसिल प्लस ताम प्लस गैर मुजब नसब इज इक्वल टू नसब प्लस ताम प्लस गैर मुजब, गैर मुजब, तो ये हो जाएगा। इसको दोनों के टू करके मेरे नसब और इत्तबा दोनों हो गया। अच्छा, अब जो थर्ड कंडीशन है इसमें कैसे होगा कि जब साहब दोबारा बताएं इसमें मस्कूर नहीं। तीसरी कंडीशन है मुस्तस्ना मुत्तसिल है, ठीक है, मुत्तसिल, लेकिन इस्तिस्ना मुफर्रग है, ताम नहीं है। मुफर्रग से मुराद यानी मुस्तस्ना मिन्हु को जिक्र नहीं किया गया, फारिग है और फारिग है जी। और इस मुस्तस्ना मिन्हु का जो तफरीग है ये आमतौर पर होती ही कलाम गैर मूजब में, ये अंडरस्टूड सी बात है। जी जी, होता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि मुस्तस्ना मुत्तसिल, इस्तिस्ना मुफर्रग, कलाम गैर मूजब, ठीक है, ठीक है। तो इस सूरत में आमिल के मुताबिक चाहिए होगा एराब, जो भी आमिल के एतबा, और आमिल को हम कैसे समझेंगे, इल्ला को हटाकर देखेंगे, जो चाहिए होगा वही एराब दे देंगे। फाइल का एराब चाहिए तो फाइल का एराब दे देंगे, मफूल का एराब बन रहा है तो मफूल का एराब दे देंगे, या खबर या कोई भी बन रहा है तो वो दे देंगे। मत तसल तो इल्ला बे हामिदिन, तो इल्ला बे हामिदिन में तो बी इल्ला के बाद लगा हुआ उसके साथ, तो वहां पर तो इल्ला को हटा भी दें तो भी बी हामिदिन ही रहेगा। पहली दो सूरतों में हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। तो अब आए नजर ला इलाहा इल्लल्लाह पर, ये कौन सा कलाम है? सर एक्सक्यूज मी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो इस्तिस्ना आ रहा है उसको कैसे समझेंगे? जी सर, अब ये पूछती थी कि ये मा जा इल्ला हामिदुन, तो मुत्तसिल तो उस सूरत में होगा कि अगर इसका मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद हो, तो इसमें तो मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद ही नहीं है। खामोशी, मुत्तसिल हो तो उस वक्त होगा जब मौजूद हो, मतलब कि मौजूद हो और उसी जात में से हो जो के मतलब डिफरेंट ना हो। मुनकते होता है कि अगर मुफर्रग जो किया जाता है ना, मुफर्रग होता ही मुत्तसिल है, मुनकते को मुफर्रग किया ही नहीं जाता ना। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि मा जा इल्ला हामिदुन ये मुत्तसिल कैसे है? मुत्तसिल की डेफिनेशन तो ये है कि उसके अंदर मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद हो, तो मुस्तस्ना मिन्हु महजूफ है? नहीं, मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद ना हो, मुत्तसिल की डेफिनेशन ये है कि जिसको निकाला जा रहा है, उसको जिन से निकाला जा रहा है वो उनका हिस्सा हो, वो सेम हो, तो इसमें तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो पता नहीं किससे निकाला जा रहा है।
तो वो तो मुफर्रग का माना ही है ना कि जिन से निकाल रहे हैं वो जिक्र नहीं कर रहे, जिक्र नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, जिक्र नहीं कर रहे हैं तो सही ना। मा जा इल्ला हामिदुन, अगर है ही हामिद सिर्फ अकेला तो फिर उसको निकाल किस से रहे हैं? किसी से तो निकाल रहे हैं ना, कोई एक ग्रुप था जिससे उसको अलग किया है, वो जिक्र नहीं किया है, इसीलिए तो वो मुफर्रग हुआ है यहाँ पे। ठीक है ओके, बट अंडरस्टूड है कि हामिद किसी लोगों में था, किसी चीज में एक ग्रुप में शामिल था, उससे उसको निकाला गया। जी ओके ओके सही है, ठीक है। सर प्लीज ये तीसरी कंडीशन एक दफा फिर बोलेंगे, मुस्तस्ना मुत्तसिल हो। मुस्तस्ना मुत्तसिल ये तो ऊपर पहले आ गया ना, हुक्मुल मुस्तस्ना फिल इस्तिस्ना अल मुत्तसिल, इसी की आगे फिर तीन सूरतें आ रही हैं। मुस्तस्ना मुत्तसिल है ठीक है, लेकिन इस्तिस्ना मुफर्रग है। इस्तिस्ना मुफर्रग से मुराद क्या है कि जिस जिन से निकाल रहे हैं वो जिक्र नहीं कर रहे। इस्तिस्ना मुफर्रग है और कलाम गैर मुजब है तो आमिल के मुताबिक इसका एराब आ जाएगा। आमिल अगर चाहता है कि रफा की हालत में हो और उसमें रफा चाहिए हो तो रफा आ जाएगा, नसब चाहिए हो तो नसब आ जाएगा। ठीक है थैंक यू। ठीक है तो अब ये जो आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुस्तस्ना की कौन सी सूरत बनती है? सर मुनकर पहले बताएं कलाम कौन सा है, मुजब है गैर मुजब है? सर गैर मुजब, गैर मुजब है जी। और इस्तिस्ना ताम है या मुफर्रग है? ला इलाहा इल्लल्लाह माबूद जी सर, ताम है, इस्तिस्ना ताम है जी सर। इलाहा यानी माबूद और भी तो है ना, बहुत सारे बनाए हुए हैं जो उन्होंने, लेकिन जात डिफरेंट है। ठीक है हाँ, ताम ही मुनक़ते है सर, ताम तो है मौजूद है ना सर, जब मौजूद हो तो ताम ही कहते हैं ना, मौजूद हो तो ताम कहते हैं, ये तो मौजूद तो है सर। अब फिर इसको कैसे करेंगे ता, देखें अगर हम उसको नेम इस्तिस्ना गैर मुजब है, गैर मुजब है ताम है और गैर मुजब है, तो इसमें इल्लल्लाह तो अल्लाह जो है ना इसको ठीक है ओके, ये हम देख रहे हैं ना सर कि कोई खुदा नहीं। तीन में से कौन सी सूरत बन रही है, ये तीन में से कौन सी सूरत बनेगी? दूसरी सूरत बनती है ना, ये इस्तिस्ना मुत्तसिल है या मुनक़ते है, पहले तो ये बात आएगी। मुनक़ते है, मुनक़ते है, आ जाएं। मुनक़ते का इराद तो यह यजिब नस्बहु फी जमील अहवाल, तो इल्लल्लाहु पढ़ रहे हैं आप, नसब क्यों नहीं पढ़ते, इल्लल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। अच्छा तो ला इलाहा इल्लल्लाह से ये पता चल गया कि कलाम गैर मुजब है, ठीक है। तो कलाम गैर मुजब वाला दूसरा आ रहा था, गैर मुजब, इस्तिस्ना ताम हो गैर मुजब हो तो नसब और इत्तिबा दोनों जायज हैं। इसका मतलब है कि ला इलाहा मुत्तसिल होना चाहिए सर। जी जी, ये सारे के सारे जुमला फेलिया में है, तो ये तो ला इलाहा तो जुमला फेलिया नहीं बन रहा ना? नहीं तो नफी नहीं, जरूरी तो नहीं है कि जुमला इस्मिया ही और फेलिया ही होना जरूरी है, इसम में भी तो हो सकता है, नहीं इसम भी हो सकता है, लेकिन सारी कोई भी एग्जांपल ऐसी नहीं है जो कि नहीं लीवियो इसके बगैर। लेकिन यहाँ पर फिर इल्ला को क्या कहेंगे, इसको इस्तिस्ना नहीं कहेंगे? कहेंगे तो सही, मुस्तस्ना ही, एक जुमला मिल गया मुझे, सिर्फ इन्नहुम अदुव्वुल लि इन्नारिल आलमीन, सेकंड वाला नहीं हो गई है। अच्छा इसको ना, इसको दोनों तरीके से लिया गया, एक सूरत यही है कि इसको सेकंड वाला लिया गया है कि जवाजुन नस्ब वाले इत्तबा में इसको लिया गया है कि ये सेकंड है, लेकिन इस सूरत में जो है ना वो अकीदे के एतबार से फिर इस पर बहस की गई है कि ला इलाहा में जिन इलाहों की नफी की जा रही है वो तो बातिल माबूद है, तो अल्लाह तो बातिल माबूदों में तो नहीं है कि उसको निकाला गया वहां से, अल्लाह तो माबूद बरहक है, तो इसलिए ये मुस्तस्ना वो कहते हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल है ही नहीं, ये तो मुस्तस्ना मुनक़ते है। तो जब मुस्तस्ना मुनक़ते वाली सूरत लें तो इल्लल्लाह, इसलिए बाज़ जो ग्रामेरियंस हैं उन्होंने कहा है कि इल्लल्लाहु जो हम पढ़ते हैं ये बस सिमा पर महमूल है, जैसे हमने सुना हम पढ़ते जा रहे हैं।
जी सर, मैंने कहा था ना एक्सेप्शन होगी ये। बिल्कुल सही एक्सेप्शन है। तो ग्रामेटिकली अगर देखें तो अल्लाहु को अगर इलाहा में शामिल करें तो मफहूम और अकीदे की खराबी लाजिम आती है कि ला इलाहा में हम नफी कर रहे हैं माबूदों की, बातिल माबूदों की, कि वो नहीं है, जबकि अल्लाह तो माबूद बरहक है, तो इसको मुस्तस्ना मुत्तसिल नहीं बना सकते। और जो अगर इसको मुस्तस्ना मुत्तसिल बनाएं कि जो माबूद बना लिए गए हैं सो फार सच्चे हैं या झूठे, कोई भी नहीं है उनमें से अल्लाह के अलावा बरहक मौजूद, बरहक या मौजूद माबूद, तो उस सूरत में फिर ये दूसरी सूरत बनेगी कि मुस्तस्ना मुत्तसिल है और काम है कलाम गैर मुजब है, तो उसमें फिर नसब और इत्तबा दोनों जायज हो जाएंगी, तो इल्लल्लाहु आ गया यहाँ। ठीक है, बहरहाल इस पर ये एक बिस्मिल्लाह और एक ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले कलिमात हैं, इनकी जो नहवी तरकीबें की गई हैं इस पर अच्छे खासे सफहात काले किए गए हैं किताबों के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर। जी जी सर, ये 268 पे फिर जो ये आयत है वह इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजुदू इल्ला इब्लीस, तो सर ये मलाइका में पहले शामिल था इब्लीस, तो फिर ये ताम उन मुनक़ता होगा मौजूद? नहीं, वो मुनक़ता है, मुस्तस्ना मुनक़ता में आएगा वो जिन। अच्छा, इब्लीस मलाइका में शामिल नहीं था, इब्लीस कान मिनल जिन, वो जिन्नों में से था, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना सर, उसमें तो वैसे ही मंसूब आ रहा है मुस्तस्ना, वो मंसूब आ रहा है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, मसला तो इसमें आ रहा है कि मरफू आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाहु या ला इलाहा इल्ला अंता, ये बोलते हैं ना ला इलाहा इल्ला अंता। अच्छा, अब आ रहे हैं नंबर 4 पे, पेज नंबर 272। नंबर 4 इस्तखरिज मिन दर्स वाली, तो आप खुद देख लीजिएगा। عين المستثنى والمستثنى منه فيما ياتي واذكرنا والاستثناء في كل مثال ولا تقولوا على الله الا الحق। किसकी बारी थी? चलिए स्टार्ट से फिर शुरू करते हैं। सिस्टर अनीस आप कीजिए पहला ही। सर डॉक्टर अक्षंदा बोल चुकी थी, कह चुकी थी, सिस्टर फरिया ने भी बता दिया था या नहीं? नहीं, सिस्टर फरिया की बारी नहीं आई थी मेरे ख्याल से। अच्छा चलें सिस्टर फरिया आपसे शुरू कर लें। जी सिस्टर। तो मुझे एक मिनट दे दे, मैं कहीं से गुजर रही हूँ। चले चले ठीक ठीक है। सिस्टर फरिया के बाद सिस्टर गजाला है। वला तकूलु अलल्लाह इल्ला الحق। जी सर। वला ला की वजह से तो पहले तो गैर मौजूब हो गया, ये गैर मौजूब हो गया, ठीक हो गया। ला तकूलु अलल्लाह इल्ला الحق, तो इसमें मुस्तस्ना मिनहु तो मेंशन नहीं है, हक जो है अल्लाह के साथ तो नहीं है, तो यानी ये गैर मस्कूर हुआ ना मुस्तस्ना मिनहु, मुस्तस्ना मिनहु जिक्र नहीं है तो फिर मुफर्रग हो गया। ठीक है जी, मुफर्रग हो गया, तो फिर इसके लिए पॉसिबिलिटीज, एक तो नसब की पॉसिबिलिटी है, क्या इसको हम मरफू भी कर सकते हैं, इस पे पेश दे सकते हैं सर? मरफू भी दे सकते हैं, इल्लल हक्कु हो सकता है। ठीक है, अगर इसका मुस्तस्ना हाँ। जो मुफर्रग है जो हमने जिक्र नहीं किया मुस्तस्ना मिनहु, वो अगर हम जिक्र करना चाहें तो सर एक बात बताइएगा, ये अगर देखें इसको वला तकुलु अलल्लाहि इल्ला हक, यानी वला तकुलु कौलन कोई भी बात, तो ये अल हक्का ही मंसूब ही रहेगा, अगर ये इसको हम ताबी भी बनाए ना, यानी अगर वो इत्तबा कर रहा है तकुलु के बाद, मतलब पिछले वाले मुस्तस्ना मिनहु की इत्तबा कर रहे तो भी मंसूब ही होगा ये, मुझे तो ये लग रहा है। थैंक यू सिस्टर जी। वला तकुलु अलल्लाहि इल्ला हक, मैं इसके जो क्या कहते हैं इत्तबा भी करेंगे तो वो भी नसब ही आएगा, इल्लल हक्का भी रहेगा, इत्तबा हो या इस्तिस्ना दोनों सूरतों में नसब भी रहेगा, क्योंकि ला तकूलु अलल्लाहि कौलन नसब की हालत में आ रहा है, तो अल हक भी नसब ही में रहेगा। ठीक है सिस्टर गजाला, आपको भी क्लियर होगी बात? जी सर। और सेकंड वाला जो है वला यल तफत,
इनकुम आहदन इल्ला अमरात का, तो इमरात का गैर मुजब तो हो गया, लेकिन इसमें ये मेंशन्ड है मुस्तना मिनहु जी आहदुन जी, तो इसलिए फिर इल्ला इमरात का तो भी मंसूब इसलिए इसमें मंसूब है यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर मंसूब है इमरात, इस्तिस्ना हो गया मुत्तसिल और इस्तिस्ना ताम है और कलाम गैर मुजब है, गैर मुजब है जी सर। ठीक है नेक्स्ट यस, तो ये दूसरी सूरत बन रही है ना, दूसरी सूरत बन रही है जी जी सर। और वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह जी, इल्ला इमरातु का अहदुन की वजह से जी, अहदुन की इत्तबा करते हुए इल्ला इमरातु का आज तो सकता है, वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह फिर ये वो गैर मुजब हो गया, मन व कौन माफ कर सकता है गुनाहों को सिवाय अल्लाह के, तो इसमें ये तो इस्तेफाम आ गया ना, तो ये गैर मुजब हो गया। और यग़फ़िरु ज़ुनूब में तो नहीं शामिल, ज़ुनूब ज़ुनूब तो वैसे भी मुस्तस्ना मिन्हु बनेगा ही नहीं ना, तो फिर क्या इसको बनाएंगे सर, तीसरी सूरत आ गई ना, मेंशन ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है, मुस्तस्ना मिन्हु नहीं है, मुफर्रग है, मुफर्रग अगर अच्छा तो फिर इसमें यहाँ पर इल्ला को अगर हटाएं तो यग़फ़िरु ज़ुनूबा, तो फिर अल्लाह तो फाइल है ना, फिर इस सूरत फाइल बनना चाहिए, तो इल्ला के बाद भी वो फाइल ही बनेगा, फाइल बना इल्ला, ये तीसरी सूरत हो गई। थैंक यू सिस्टर, जज़ाकुमुल्लाह। हबीबुर रहमान साहब सब पास कर दें, अच्छा चलें पास कर देते हैं सर। सिस्टर नुज़हत, सिस्टर नुज़हत करना चाहेंगी या हम कर्नल साहब से रिक्वेस्ट करें, कर्नल अयाज सर पास कर दें, थैंक यू। कर्नल अयाज बशीर साहब, सबको सदारती इस्तिस्ना चाहिए, अच्छा जी कर्नल अयाज साहब भी इस्तिस्ना चाहते हैं, सिस्टर नोरीन तो मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा कर रहे हैं जी सर कीजिए। वक़दा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहू, हाँ जी ये मुफर्रग है, मुफर्रग है ठीक है, लम यज़कुर मुस्तस्ना मिन्हु है, कलाम कौन सा है, मुजब है गैर मुजब है, मुजब और गैर मुजब, मुजब है ना जिसमें नफी नहीं और इस्तेफाम ना हो, और गैर मुजब है जिसमें नफी नहीं और इस्तेफाम हो, यहाँ नफी नहीं इस्तेफाम नजर आ रहा है, इस्तेफाम तो इसमें है, इस्तेफाम कहाँ है, इस्तेफाम तो नहीं है, नहीं नजर आ रही है ना, ला ताबुदू नहीं है, नहीं है, इल्ला भी मुस्तस्ना वाला है, ठीक है जी, तो कलाम गैर मुजब है, मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद नहीं है, तो ये बन गया इस्तिस्ना मुफर्रग, तो नसब यहाँ पर तय है, नसब तय है नहीं, सॉरी आमिल जो चाहता है वही होगा, तो आमिल क्या है, इल्ला को अगर हटा दें और जमीर लगानी हो तो जमीर क्या होनी चाहिए, ला ताबुदू
तुम उसकी इबादत ना करो। ठीक। तो ला ताबुदू हु होता, यानी मफूल वाली जमीन लगती, नसब वाली जमीन। अब इल्ला के बाद जब लाया तो वो नसब वाली जमीर को मुनफसिल करके लिख दिया, इल्लाती याहू, नसब ही रहेगा, मा यक्तदीहिल आमिल वाला चलेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने पूछा है आज अगला जुमला आप करने वाले, मा युहलिकुना इल्ला दहरू, तो ये भी मुफर्रग है। मुफर्रग है, ठीक है। तो इसमें भी इराब उसके मुताबिक आ रहा है जी, फाइल के मुताबिक, आमिल के मुताबिक है जी। तर्जुमा क्या होगा, हमारा योगी को ना इल्ल दहरू, आपकी आवाज गुम हो रही है। मैंने कहा ट्रांसलेशन क्या करेंगे, वमा युहलिकु ना इल्ल दहर की ट्रांसलेशन क्या होगी, तर्जुमा। नहीं हलाक किया हमें मगर जमाने ने। अच्छा, और भी होगा ना, और जी, और नहीं हलाक किया हमें मगर जमाने ने, या नहीं हलाक करता हमें मगर जमाना। ठीक है। अच्छा जी, नंबर सिक्स, सिस्टर नौरीन बर की, फाइंड नाउ मादुवुल्ली, सेकंड के क्या मीनिंग्स होंगे, सेकंड वाले का, वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और ना इल्तिफात कहते हैं ना, क्या उसको इल्तिफात करना, मोहब्बत के साथ तवज्जो देना, पीछे मुड़कर देखना, पीछे मुड़कर देखना, तवज्जो करना, तो तुम में से कोई भी तवज्जो ना दे, इल्ल अमरा आता का, मगर आपकी सिवाय अपनी औरतों के, नहीं नहीं नहीं, मगर सिवाय आपकी बीवी के। ये वो लूत अलैहिस्सलाम वाला वाक्य है ना, लूत अलैहिस्सलाम को कहा था कि तुम लोग निकलो इस बस्ती से और पीछे मुड़कर कोई भी ना देखे सिवाय आपकी बीवी के, तो वो पीछे मुड़कर देखेगी और फिर वो उन्हीं कौम के जो लोग थे उनके साथ जो है वो क्या कहते हैं उसको, फिर वो अजाब में शामिल हो गई थी। तो इल्लमरा आता का सिवाय आपकी बीवी के, आप सब तो सर, वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, आप में से और तुम में से कोई भी मुड़ के ना देखे, ठीक है, सिवाय तुम्हारी बीवी के, लूत अलैहि सलाम को खिताब है यहाँ, ठीक है, लूत अलैहि सलाम को कहा जा रहा है कि तुम्हारी कौम में से कोई भी पीछे मुड़ के ना देखे इल नमरा तक सिवाय आपकी बीवी के। अच्छा जी, सिस्टर नौरीन बरकी करने लगी थी, फैन्ना मादुवुल्ली इल्ला रब्बल आलमीन। जी सर, बेशक वो दुश्मन है मेरे लिए सवाए रब्बुल आलमीन के, रब्बल आलमीन के। सर इसमें तो ये मुजब लग रहा है, और मुजब जी, मुजब और मुनकते, सर मुनकते होगा ये मुब्दल मिनहु, तो अदुवन मुब्दल मिनहु, और रब्बल आलमीन तो ये दुश्मन, और वो तो मुनकता ही हुआ ना सर जी, इस्तिस्ना मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनहु में दाखिल नहीं है, ठीक है, जिन जिन्स में से नहीं है जी, ठीक है, तो फिर ये सर मंसूब ही होगा ना, मुनकते हमेशा हाल में नसब की हालत में होता है जी, ठीक हो गया। अमाम कुल जुमलतिन मिम्मा याती इस्मुन इजअलहु मुस्तस्ना बी इल्ला व अकमिल बिहिल जुमला, हर लफ्ज के, हर जुमले के सामने एक लफ्ज है, इसको मुस्तस्ना बनाएं इल्ला के साथ और जुमला मुकम्मल करें। यग़फिरुल्लाहु ज़ुनूब कुल्लहा इल्ला शिर्का, शिर्कु शिर्की। इसकी बारी थी सिस्टर राहिला। जी सिस्टर। जी सर, यग़फिरुल्लाहु ज़ुनूब कुल्लहा इल्ला शिर्का, इल्ला शिर्का जी जी, समझते जा रहे हैं कि ये क्यों अशिर्का आया है, ये पहली सूरत बन रही है जी, पहली सूरत बन रही है, मुस्तस्ना मुत्तसिल है, कलाम मुजब है, इस्तिस्ना काम है जी। अगला भी करने जा रहा नहीं, जमीउ जुमलाई इल्ला इल्ला इस्नैनी, इस्नैनी ये भी पहली सूरत, पहली सूरत ताम मुअज्जम मुत्तसिल और मंसूब होगा। तीसरी, तीसरा भी कर लें,
नजातुल्लाबु कुल्लुम इल्लल मुताखरीना मुताखरीन, ये भी पहली सूरत है जी सर। ठीक है, अच्छा ज्यादा इस्तिस्ना उसी तरीके से आता है, पहली सूरत नहीं। नेक्स्ट सिस्टर सीमा रिद्वान। सर इसमें ये वाला हफिज़तुल कुरान इल्ला सूरतैन सर, क्योंकि ये भी पहली सूरत ही बन रही है ना जी। ज़ुरतुल बिलादल इस्लामिया कुल्लहा इल्ला पाकिस्तान, ये भी सर नसब पहली सूरत ही आएगी क्योंकि पहली सूरत बनेगी या ये मुस्तस्ना मुनक़ते बनेगा? क्यों सर, बिला पाकिस्तान बिलाद इस्लामिया में दाखिल है अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्यों नहीं है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, साअदनी जमीउ ज़ुमलाई, खैर ये लाइटर नोट पे था, इसको सीरियस ना समझिएगा जी। ये भी करूं सर, क्योंकि ये भी पहली ही सूरत बनेगी ना जी, इया का हो जाएगा इल्ला। ठीक हो गया। नेक्स्ट शफीक सत्ती साहब, फहमतुल मसाइल नहवियत कुल्लहा। जी सर, फहम तो मसाइल नहवियत कुल्लहा इल्ला इस्तिस्ना आ, ये पहली फॉर्म में बनती है सर इस्तिस्ना आ जी। तर्जुमा क्या बन रहा है? मैंने नहव के तमाम मसाइल समझ लिए सिवाय इस्तिस्ना के, जो आज समझ रहे हैं जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली फॉर्म में बनती है सर जी, पहली फॉर्म। अगला भी करने, करातुल किताब। करातुल किताब कुल्लहु इल्ला सफातिन सफातिन मिन्हु, मैंने किताब के तमाम किताब तमाम पढ़ ली सिवाय, इसको कैसे करेंगे, इल्ला इल्ला इसके सफात, अच्छा इसके साथ आई थिंक आना चाहिए इल्ला सफाहतिन मिन्हु। सर अगर हम ये कहेंगे 10 सफे 10 पेजेस एक्सेप्ट फॉर द 10 पेजेस तो कैसे कहेंगे, अशरत सफातिन इल्ला, ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। 10 पेजेस कोई मतलब नंबर बताना होगा ना, इल्ला सफातिम मिन, अच्छा नहीं सॉरी, अच्छा ये है किया, मुझे ये लग रहा था कि जैसे ये दो जो है ना वो बन रही है, दो नहीं है, ये डैश एक ही है, इल्ला सफातिम मिन हो बस, वो अशरा या वो करने की जो है ना वो जरूरत नहीं है, बस कुछ सफात रह गए हैं। अच्छा ठीक है ओके, तो फिर कुछ को क्या कहेंगे सर, सफातिन की तन्वीन जो नकरा की तन्वीन है वो ऑलरेडी ही, अच्छा ठीक है वो ठीक है वो नकरा बताएगी, ठीक है ओके। अच्छा जी यहाँ पर फिर आगे से मजीद मिसालें दी गई हैं, इनको मुस्तस्ना बनाना है, इल्ला के साथ जुमला मुकम्मल करना है, मारा सब अहदुन इल्ला खालिदुन खालिदन। किसकी बारी थी सिस्टर अनीस, आपसे दोबारा शुरू करना है या जी सिस्टर अनीस? जी सिस्टर फरिया, जी सिस्टर फरिया कीजिए, ये वाला करना था ना सिक्स वाले में से, सिक्स वाला जी, ये पूरा छह के छह कर दें आप। हाँ जी, है भी एक ही टाइप है, ये जो एक सेट कहते हैं ना, सारे गैर मौजूद हैं, सारे ताम हैं, सारे मुत्तसिल हैं, तो मा रसबा अहदुन इल्ला खालिदन भी हो सकते हैं और खालिदुन भी हो सकते हैं, बदल के फॉर्म में आ सकते हैं जी। और मा अकर, मतलब तर्जमा सिंपल है कि कोई अच्छा मा अकल तो शयन जी, मा अकल तो शयन इल्ला तमरा तईनी, और फिर तमरा तईनी, दोनों केसेस में बदल भी तमरा तईनी बनेगा इसका
मैंने कुछ नहीं खाया सिवाय दो खजूरों के, वही है गैर मौजूब है, ताम व मुतसिल है, मफूल भी है ना शयन, तो इसलिए फिर वो बदल भी बोल जाता है। लम युसाफिर तुलाबु फी उतलत रबी इल्ला बादहुम इल्ला बादहुम, क्योंकि तुलाब फाइल है तो अगर हमने बदल बनाना है तो बादहुम ले लेंगे हम उसको। ठीक हो गया। किसी ने सफर नहीं, स्टूडेंट्स में से किसी ने सफर नहीं किया स्प्रिंग ब्रेक में, रबी वाला स्प्रिंग होता है ना, सिवाय उनमें से बाज के। ला तत्तसिल बि अहदिन इल्लल मुदीरा इल्लल मुदीरी, बी अहदिन है ना, क्योंकि बी तो ये वो है ना जार मजरूर में है, तो अगर हम मुदीरा लेंगे वो तो जनरली लेंगे हमने, क्योंकि नसब लेना होता है जायज है वो, और अगर हमें इसको बदल या इतबा देनी हो तो फिर अल मुदीरी बनेगा ज़ारा ना, बी मुदीरी बिल मुदीरी इल्ल मुदीरी, तो इसका तर्जमा था कि ना राबता करो किसी से सिवाय मुदीर के। और हल यग़फिरु ज़ुनूबा अहदुन इल्लल्लाह और इल्लल्लाहु, क्योंकि अहदुन फ़ाइल है इस जुमले में, क्या कोई बख्श सकता है गुनाहों को, कोई भी बख्श सकता है सिवाय अल्लाह के। मा सअल्तु अहदन इल्ला इय्याहु, तो क्योंकि अहदन मफूल भी है तो फिर अगर इसको बदल बनाएंगे तो तब भी इय्याहु ही आएगा, वही गैर मौजूब है ताम मुत्तसिल वाली सिचुएशन। और ये हो गया सर ये वाला। जी ठीक, जज़ाकुमुल्लाह। जी सिस्टर अनीस, अगला मा फहिम दर्स इल्ला इब्राहिम। जी सर, ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल्स हैं मुफर्रिक गैर मौजूब की, सॉरी प्रॉब्ली और गैर मौजूब। जी तो मा फहिमत दरसा इल्ला इब्राहिमु, क्योंकि इब्राहिम जो है वो फाइल के फॉर्म में आ रहा है, फहिमत दरसा इब्राहिमु, फहिमा इब्राहिमु दरसा, यूं करके होगा ना जुमला, तो वो इब्राहिमु इसी फॉर्म में आएगा, मरफू आएगा। मा माता फिल हादिसी, नहीं मरा हादसे में, इल्ला साइकु, अच्छा तो ये मरने वाला भी फाइल है ना जी, तो ये भी मतलब एक मरफू आएगा, इल्ला इल्ला साइकु मा तसाइकु, अगर हम सब कुछ निकालते हैं तो सिंपल ये हो गया कि मर गया साइक, उल्टा हो जाएगा मीनिंग इसका ना, तो इसलिए साइकु आ रहा है कि नहीं मरा कोई हादसे में सवाए ड्राइवर के। मा युजिबुल मुदर्रिसु युहिब्बु, मा हाँ सॉरी, मा युहिब्बुल मुदर्रिसु, नहीं मोहब्बत पसंद करता मुदर्रिस किसी को, इल्ला मुश्तहिदा, यानी जो फाइल है वो मुदर्रिस बन रहा है, ये मफूलुन बिही बन रहा है तो मंसूब आएगा मुश्तहिदा, मेहनत करने वाला, इल्ला मुश्तहिदा कि नहीं पसंद करते मुदर्रिस सवाए मेहनत करने वाले को। हल यरसुबु अब ये आ रहा है, हाँ ये भी वही आ रहा है ना, मुफर्रिग और गैर मौजूब आ रहा है, हल हल की वजह से इस्तेफाम वाला। हल यरसुबु क्या मेहनत करता है, इल्ला हल क्या फेल होता, हल के बाद नहीं, हल के बाद इल्ला आ रहा है तो नहीं वाला तर्जुमा करेंगे ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं फेल होता, इल्ला कसलानु सवाए सुस्त, जी तो ये कसलानु जो ये मरफू होगा क्योंकि यरसुबु का फिर फाइल बन रहा है। जी मा अकल तु मैंने नहीं खाया, इल्ला इल्ला बुर्तकालतैन, ये मंसूब हो जाएगा ना जी, खाने वाला नहीं हूं तो मफ़ूलुन बिही बन रहा है, इसलिए मा अकल तु इल्ला बुर्तकालतैन, बुर्तकालतैन बुर्तकालतैन। फिर ये है, ये कर दो सर, दोनों दो ही रह गए, जी दो रह गए, कर लें कर लें। मा सअल अल मुदर्रिसु, नहीं सवाल किया मुदर्रिस ने, इल्ला मतलब फिर मफ़ूलुन भी आएगा ना, तो इया ज़मीर बगैर वो है ना मुनफसिल, इल्ला इया सअल अल मुदर्रिसु इल्ला इया, नहीं सवाल किया मुदर्रिस ने सवाए मेरे मुझसे। मा कुंतु इल्ला मुदर्रि, अच्छा ठीक है ओके। अब ये सर इसमें यह है कि ये जो कुंतु है ना, इसको हम काना वाले उसमें लेंगे कि नहीं हूं मैं मगर मुदर्रिस, तो मुदर्रिसन अगर हम माँ और की खबर बन जाए, कुंतु मुदर्रिसन, तो कुंतु मुदर्रिसन में मुदर्रिसन काना की खबर बन रही है, तो इसलिए इसको हम मुदर्रिसन लेंगे। माँ कुंतु इल्ला मुदर्रिसन, यानी हमें इल्ला निकाल करके देखना होता है ना। जी ठीक ठीक हो गया। जी सिस्टर अस्मा खालिद, नेक्स्ट कर लें, कतबतुर रिसालता
जी सर, कतबतु रिसालता इल्ला इल्लल अल उनवाना, इल्लल उनवाना, ये कौन सी सूरत बन रही है इस्तिस्ना की? सर ये बनेगी पहली, ये मुस्तस्ना मुनकते बन रहा है ना, मुनकते बन, उनवान है एड्रेस, तो एड्रेस जो खत में शामिल नहीं होता वो अलग चीज होती है। अच्छा ठीक, तो ये सर कौन सी बनेगी, सेकंड बनेगी? नहीं ये उन तीन में से नहीं है, ये अगला है, इस्तिस्ना मुनकते है जिसमें नसब वाजिब होता है सारी सूरतों में। ठीक सर, नहीं लिखा मैंने कोई मैगजीन सिवाय रिसालता, मैगजीन नहीं है ये खत है, नहीं नहीं ये तो खत होगा, खत सिवाय उनवान के एड्रेस के, मैंने खत लिखा इल्ला रिसाला, सॉरी नहीं नहीं मैंने लिखा, ठीक ठीक सर सर सही, ठीक सर अगला कर लें, जी जी कर लें नेक्स्ट, सब एक जैसे हैं। ठीक, मा यतनावलुल मरीजु मरीजु अत्तामा इल्ला दवा, ये भी सर वो होगा मंसूब आएगा, ये भी मुस्तस्ना मुनकते है, ये दवा आम में शामिल नहीं है। जी सर, बाकी दो भी करने, चलें बाकी डॉक्टर रक्षंदा से करवा लेते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, गादर अल हुज्जाज मिन्नी, गादर अल हुज्जाज मिनन इल्ला शुरतता, तो ये हो जाएगा, ये भी वही है मुनकता, तो तर्जुमा क्या करेंगे गादर अल हुज्जाज, गादर कहते हैं लौटना को, जी लौट आए हुज्जाज, लौट आए हुज्जाज, छोड़ दिया, छोड़ देना हुज्जाज, हाँ छोड़ दिया या लौट आए, मिना से जी, सिवाय पुलिस वाले के, जी तो ये पुलिस उसमें शामिल नहीं है, पुलिस वाले वहीं रह गए तो मंसूब हो गया ये भी। जी अरे वैसे पुलिस वाले भी तो हुज्जाज हो सकते हैं, मा हजरतुल कुतबा इल्लत दफातिरा, होते नहीं है वैसे, वहां वो पता नहीं चलते, अगर हुज्जाज होते हैं तो एहराम में तो पता ही नहीं चलेगा ना, जी यूनिफॉर्म में पता चलता है, तो मैंने पेश नहीं की किताबें सिवाय रजिस्टर के, यानी मैंने सिर्फ रजिस्टर ही पेश किए, किताबें नहीं पेश की। मा मातर रुकाबू फिल हादिसी इल्लल इल्ला माशिन, इल्लल मुशात भी रहेगा ना, मुशाता, मुशाता, तो नहीं मरे सवार हादसे में सिवाय पैदल चलने वाले, पैदल चलने वाले जो पेडेस्ट्रियन थे, तो ये भी नसब हो जाएगा, ये भी वो मुनकता वाली कंडीशन, मुनकते वाली सारी मिसालें आगे सब अकमल कुल जुमलते में मा याती भी मुस्तस्नन मुनासिबन, मा वनंतु का इल्ला सिसर गजाला, कोई भी मुनासिब इसमें लगा सकते हैं, मा जनंतु का इल्ला इल्ला मुदर्रिसन, मुदर्रिसन तो ये मुस्तस्ना मुफर्रग है, जहां पर ये क्या बन रहा है, यहाँ पर मफूल भी ही सानी बन रहा है, जनंतु का इल्ला मुदर्रिसन में मुदर्रिस जनंतु का, मैंने आपको क्या समझा, मुदर्रिस समझा। नेक्स्ट करने हिब्बुल फवाकिह कुल्लहा, कुल्लहा इल्ला तुफाहु, तुफाहा बल्कि, तुफाहु या तुफाहा, कुल्लहा कुल्लहा इसका है तो तुफाहा होना चाहिए, नहीं तो ये सूरत कौन सी बन रही है, ये मुझे मुस्तस्ना मुत्तसिल है, कलाम ताम है और कलाम मुजब है, जी तो पहली सूरत बन रही है जहाँ पे नसब वाजिब है, वाजिब है जी, तो फाहा इसलिए तो नहीं देखा जाएगा कि क्या है, वाजिब है यहाँ पे नसब, वाजिब है। नेक्स्ट जो अगर आप इसको अगर अगर आप इसको कहें उहिब्बुल फवाकिहा कुल्लहा इल्लल बतातस तो फिर क्या कहेंगे, एक मिनट सर क्या आपने बोला, उहिब्बुल फवाकिहा कुल्लहा इल्लल बतातस, बतातस आलू, बतातस सब उसका तो फिर क्या उसको बतातसा करेंगे, बतातसा जी क्यों करेंगे, क्योंकि बतातस फ्रूट्स में शामिल नहीं है,
ठीक है सर, तो ऐसे होगा, ते से होगा, बतातस ये लिखे इसको सर, लिखे थे बतातस के साथ तमातम भी लिख दें। तमातम होता है, तमातम होता है, पता नहीं लिखा वही देखा, सुना नहीं कभी, मतलब मैंने लिखा देखा उस पे हरकत कुछ नहीं थी, तो मैं तो टमाटर से ऐसे तमातम नहीं समझा, पता नहीं अब तम होता है या क्या, से ये पोटैटो से बतातस समझ लें भाई, पोटैटो टोमेटो भी तो सिमिलर साउंड के साथ आ रहे हैं जी, टमाटर। अच्छा जी, मागाबल यौमा किसकी बारी थी, हबीबुर रहमान साहब और सिस्टर नुजहत करना चाहेंगे या हम कर्नल अयाज साहब से रिक्वेस्ट करें? जी अयाज साहब, टाइम हो चुका है, इसको अगर कर लें थोड़ा सा ये वाली एक्सरसाइज कर लें, फिर उसके बाद बाकी जी सर कंप्लीट कर लें, ये तीन रह गए हैं, मा गाबल यौमा इल्ला, मा गाबल यौमा इल्ला अम्मारन या अम्मारुन, अम्मारन या अम्मारुन जी हाँ, ये हमने आपने लिया जी इसको दूसरी सूरत में, जी दूसरी सूरत क्या है कि मुस्तस्ना पर तो वो नहीं है ना, ये तो मुस्तस्ना मुफर्रग वाली मिसाल नहीं आ रही शायद, मुस्तस्ना मुफर्रग है ना, इस मुस्तस्ना मिनहु तो जिक्र नहीं किया गया यहाँ पे, हाँ जी तो दोनों आ सकते हैं ना, तो नहीं मुस्तस्ना मुफर्रग हो तो फिर एक ही बात है ना, क्या है इराबुहु बिहस्ब मा यक्तदीहि العامل, तो सिर्फ एक ही आएगा अम्मारुन आएगा, मा गाबल यौमा इल्ला अम्मारुन, इल्ला अम्मारुन ठीक। नेक्स्ट कर लें, मा अरगबु फी शैइन इल्ला, मा अरगबु फी शैइन इल्ला बिलालुन इल्ला, क्या 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 बनाया सर इस स्नाप ने, इल्ला बिलाल, बिलाल बिलालुन बिलालुन, मा अरगबु फी शैइन, मैं नहीं रगबत रखता, नहीं चाहता कोई भी चीज मगर, अच्छा छुट्टी, इस वक्त छुट्टी चाहते हैं, इल्लल इसको क्या कहेंगे छुट्टी को, इल्लल उत्तला तो दूसरी छुट्टी को कहते हैं, इल्ला इत्माम दर्स, ये कैसे लिखते हैं, इत्माम अतम्मा युतिम्मु से इत्माम लिखेंगे, इल्ला इत्मामुन इत्माम दर्स, तो ये बन रहा है फी शही इन में, शही इन मुस्तस्ना मिनहु है, मौजूद है, कलाम गैर मुजब है और इस्तिस्ना मुत्तसिल है, इसमें दोनों सूरतें आ सकती हैं, इत्मामद्दर्स या इत्मामुद्दर्स, इत्मामिद्दर्स, इत्मामिद्दर्स या इत्मामद्दर्स, दोनों तरह से जबर या जेर के साथ। आखिरी वाला कर ले, मा कतब तु शैयन इल्ला, मा कतब तु शैयन इल्ला रिसालता, इल्ला रिसालता, रिसालता दोनों सूरतों में रिसालता ही आएगा, ठीक जज़ाकुमुल्लाह, अला कुल्लु शैइन अला हर्फु इस्तिस्ताहिन व तंबीहिन नहु अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ये
अला और इल्ला को जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इल्ला इस्तिस्ना के लिए और अला इस्तिस्ना के लिए नहीं है, वो सिर्फ तंबीह के लिए आता है। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। अक्षा नकुना इयाहु इदा काना खबरु काना ज़मीरन यजूज़ु फीहिल इत्तिसाल वल इन्फिसाल। तो काना की खबर अगर ज़मीर बन रही हो तो इत्तिसाल यानी मुत्तसिल ज़मीर लाना या मुनफसिल दोनों सूरतों में लाना जायज़ है। ये एक अहम बात यहाँ पर लिखी है, बाकी वाहिद जमा और मस्तर वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप लोग जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो वो मैंने आपको मैसेज किया था ट्यूसडे के लिए, लेकिन अब मैं फ्राइडे को अगर मतलब करने से, अगर आपके पास है पिछले रिकॉर्ड तो अक्वसीव है अगर तो है आप ने मैसेज किया हुआ मुझे मैंने उसको ट्यूसडे को कहा था कि मैं आई वाज प्रिपेयर्ड कि मैं ट्यूसडे को दे दूं, अब मैं फ्राइडे को इंशाल्लाह फिर प्रिपेयर करूंगी। तो फ्राइडे को एक मरतबा फिर मुझे याद दिला दीजिएगा जुमे के बाद। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अब ये नेक्स्ट हमारी फिर आखिरी जो है ना वो होगा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक कम्प्लीट हो जाएगी। तो क्या ख्याल है अगली रिवीजन के बाद हम जो एक फाइनल क्विज बनाए हैं उसमें पूरी किताब से सवाल डाल दिए जाएं? दो सर ने उसे शहजाद साहब, ये क्या हो रहा है फिर, ये तीन दिन किस्तों में सर ये सब कर तो लिए, यही तो हो रहा है नहीं सर इतने रूल्स नहीं याद रह सकते ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक फाइनल क्विज बनाया जाए जिसका टाइम दे दिया जाए कोई चार एक घंटे और पूरी किताब से ज्यादा सवाल डाल दिए जाए, क्या ख्याल है? नहीं सर दो सर ये दो पहले ही बड़ी मुश्किल है और मैं कुछ सर पढ़ पढ़ के पहले दिमाग थक चुका है। अच्छा चले ठीक है जी, अभी खैर फैसला नहीं करते हैं, हो सकता है अगली दफा तक आप खुद इतने जाना वो चार्ज हो चुके हो, आप कहें नहीं हमसे ले लें पूरी किताब का इम्तिहान। नहीं सर अगले सर लेसन तो है भी मुश्किल और मैंने तो जब किए भी नहीं थे जब ये करवाए थे। अल्लाह आसानियां फरमाएगा इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखा करें एक दूसरे को। सर ये लेसन की रिकॉर्डिंग्स आपने कहीं डाली भी है? जी यूट्यूब पर मौजूद है। अच्छा तमाम लेसन? जी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में प्लेलिस्ट का, वहां से देख लीजिए। बहुत अच्छी बात, कुछ एक या दो लेसन शायद ना हो, आई थिंक वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो सकी थी या क्या वजह हुई, बाकी तकरीबन सारे मौजूद हैं। ठीक है सर बहुत शुक्रिया। ओके जी सर, क्यूसी का क्विज जो है वो सैंपल क्विज ही सिर्फ आप अपलोड कर देंगे जो कल? जी सैंपल क्विज आ जाएगा। ठीक है ओके जज़ाकअल्लाह। उसमें भी ये इस्तिस्ना वाले सवाल डाल दिए जाए, हमें तो मतलब बाकी लोग शोर करेंगे शहजाद साहब जो इस क्लास में नहीं होते। हाँ ये बात भी है, सवाल तो मतलब असल तो प्रैक्टिस वहीं पर होगी ना, यहाँ पर तो हमें वो इन्होंने एक ही तरह के सारे दे दिए थे और हमने प्रैक्टिस कर ली, वो असल प्रैक्टिस तो तब होती है जब मिक्स सा आ रहा हो तो फिर जो है ना वो सही समझ में आता है। चलिए देखते हैं उसमें से एक आध सवाल अगर डाला जाए तो डाल दें बेशक, लेकिन जरा हाथ हौला रख के। मैं तो हाथ होला ही रखता हूँ, पता नहीं क्यों वो हैवी हो जाता है। हमें जोर का लगता है। अच्छा जी चलें, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए हम सब के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।